हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन ए सबसे पहले कंफर्म कीजिए ऑडियो क्लियर है क्या ऑडियो क्लियर है प्रॉपर है स्टार्ट करने से पहले एक पांच से दस मिनट पूरे इंस्ट्रक्शन सुन लेना अबाउट दिस बैच ताकि बैच देखते वक्त आपको कोई डाउट ना बचे सबसे बड़ा तो ये डाउट होगा कि सर पूरा सिलेबस कवर होने वाला है क्या यस yes, पूरा सिलेबस डिटेल में फास्ट ट्रैक वे में कवर होने वाला है

लेक्चर के डिटेल्स लेक्चर की लिंक भेजी जाती है लेक्चर का टाइम क्या होगा ये सब वहां पे कम्युनिकेट किया जाता है तो वो नीचे जहां पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वहां से आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे ठीक है चलो क्लियर ऑडियो यस यस क्लियर है क्लियर क्लियर है एक आज पहले दिन बाकी दिन ऐसा नहीं होगा पूरा स्ट्रिक्टली सीरियसली हम पढ़ेंगे बाकी यहां वहां की बातें नहीं करेंगे मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट अभी आ गया रिजल्ट नेगेटिव आ गया इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहे होंगे हाँ हो सकता है कोई स्टूडेंट पहली पहली बार में में के में, वहाँ पे पहली बार मे एग्जाम में वहां पे देने वाला हो बट बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिए है तो हमें टाइम पता है मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है टाइम कम है आपके एग्जाम के लिए लेकिन आज पहली बार मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा इस बैच के बारे में तो ये थोड़े से दिन

ये बताना इसलिए है क्योंकि आपको पता चले आप किसके पास से पढ़ रहे हो जो पढ़ाने वाला है वो ट्रस्ट वी है कि नहीं हमें अच्छे से पढ़ाएगा या नहीं पढ़ेगा पढ़ाएगा तो एक्सपीरियंस का कोई टेंशन मत लेना इतना एक्सपीरियंस मुझे लगता है पढ़ाने के लिए बहुत हो गया राइट right? जो अकाउंटिंग की इंडिया की पहली मैराथन है दो में जो अपलोड हो गई थी वो मैंने की थी मेरी मैराथन थी इंडिया की अकाउंटिंग की पहली मैराथन ठीक है दूसरा इंडिया में जो फर्स्ट टाइम कलर्ड नोट्स जो आए थे लाए गए थे वो मैंने ही लाए थे ये ये कलर्ड कलर्ड नोट्स नोट्स आपके सामने यहाँ पे पे रेफरेंस के लिए है है ठीक आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो ये कलर्ड नोट्स ये आपको मिल जाएंगे डोंट वरी अभी डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स का लिंक डाला नहीं ओके okay, एक दो दिन में वहां पे नोट्स का लिंक आ जाएगा तब तक के लिए ये जो नोट्स है आज जो पढ़ाया जाएगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बट बाद में जो स्टूडेंट्स आएंगे दो तीन दिन के बाद में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगी आपको

मतलब पंद्रह साल से मैं पढ़ा रहा हूँ पंद्रह साल से ज्यादा ही हो गया सोलह सत्रह साल से पढ़ा रहा हूं ठीक है डन ये था मेरे बारे में बाकी कोई फीस नहीं नथिंग भी आपको पे नहीं करना है नोट्स के के लिए लिए भी भी नहीं बुक के लिए भी नहीं। बुक कॉस्ट आपको पीडीएफ में मिल बाद में आप क्या कर लेना प्रिंट कर लेना आपको लगता है तो अगर प्रिंट नहीं करना है तो प्रिंट मत करना सॉफ्ट कॉपी में देख लेना तो नोट्स भी आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे एक रुपए भी नहीं देना है हंड्रेड परसेंट सिलेबस कवर होने वाला है ठीक है कोई अगर पैसे मांगे तो मुझे

टैक्स का भी स्टार्ट होने वाला है अगर आपकी लॉ की रिक्वायरमेंट आप अगर बोलते हो सर लॉ का भी लेक्चर चाहिए तो हम सर से बात कर लेंगे लॉ का भी फास्ट ट्रैक लेक्चर आ जाएगा ये डिटेल फास्ट ट्रैक है मतलब लगभग आवर्स टू हंड्रेड आवर्स की बैच होगी तो इतना करने के बाद में आपको बाकी कुछ और लेक्चर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे जो सभी क्वेश्चन लिए जाएंगे वो सभी मास्टर प्रॉब्लम होंगे मास्टर प्रॉब्लम क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सभी एडजस्टमेंट कवर मैं आपको माफ करके दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें

मुझे देना दे ठीक है तो ये प्रॉपर चार्ट के फॉर्म में बनाए हैं। yes, ये सभी, अब देख रहे हो पे प्रॉपर चार्ट बनाए गए में। आपको एक, एस टेन भी दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पिक्चर्स और प्रेजेंटेशन का यूज किया है जिससे आपको पढ़ने में थोड़े से कलर्स दिखाई देते तो अच्छा लगता है ना ठीक तो इस वजह से वहां पर कह नोट्स बनाए गए इस तरह से तो यहां पे आप देख रहे हो सभी नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे तो ठीक है नोट्स तो आपने देख लिए नोट्स मिलेंगे तब आप देख लेना जस्ट ये है कि जितना हो सके इस बैच को अपने फ्रेंड्स तक फैला दो उनका भी इसमें फायदा हो ऑब्वियसली सर इसके बदले में आप पूरा फ्री में पढ़ा रहे हो इसके बदले में एज एन ग्रेटिट्यूड मैंने मैं आपके पास इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आगे अगर आपके कोई जूनियर पूछता है कि कहां पे क्लास है, तो आप नाम रिकमेंड कर देना मेहनत लगभग तो लेने वाले वो भी तो ऐसे नहीं अगर आपको लगा सर अच्छा पढ़ाते तो रिकमेंड करना इतना ही मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं अब जुड़ गए तो हमेशा के लिए जुड़ जाना इतना ही एक्सपेक्टेशन है ठीक है तो इतना ही आपके साइड से मुझे फीस चाहिए और दूसरी फीस जो है वो है आपका रिजल्ट रिजल्ट जब आएगा ना तो मुझे कम्युनिकेट करना है खुशी मिलेगी कि मेहनत का कुछ फल मिल गया ठीक है जब आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको बोलता हूं जो मैंने इंस्ट्रक्शन क्लास में दिए वो अगर आपने फॉलो किए तो 70 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आ सकते हैं और पूरा सिलेबस न्यू सिलेबस के हिसाब से चलने वाला है तो मैं साथ ही में बता दूंगा कहां कहां पे चेंजेस हो चुके हैं आपके सिलेबस में तो सभी चीजें डिस्कस हो जाएगी कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है गाइड करने के लिए मैं हूं टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है यस पुणे में अपने फेस टू फेस क्लासेस चलते हैं पुणे में फेस टू फेस में पढ़ाता हूं और ऑनलाइन लाइव तो कहीं से भी स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं जी डी मोड में ठीक है वो तो अटेंड कर ही सकते हैं तो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो करना ये आप सबसे रिक्वेस्ट है ठीक है डेली लेक्चर के बीच में एक टिप दे दूंगा मैं टिप कैसी जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से हो इट माइट बी रिगार्डिंग मेडिटेशन या हम कह सकते हैं थोड़ा सा आ, जो हम ब्रीदिंग करते हैं ना उस टेक्निक की टिप दे दे दूंगा मैं उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा स्टडी किया है क्योंकि 2019 में मुझे माइल पैलिसिस का अटैक आ गया था उसके बाद में 2019 के एंड में गले का ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद में एक साल मैं ठीक से बात नहीं कर पाया तो उसी वजह से थोड़ा सा जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स का वो टूट गया क्योंकि एक साल मैंने पढ़ाया नहीं बीच में सर इसका मतलब आप सोलह साल बोल रहे हो एक साल कट कर दो तो वैसा बोलो एक्सपीरियंस एक साल से कम मान लो एक साल में ठीक से पढ़ा नहीं पाया गले की वैसे से क्योंकि गले का अंदर ऑपरेशन हो गया थर्ड में अंदर ऑपरेशन हो गया था तो टीचर कैसे बोल पाएगा तो उसके बाद में मेडिटेशन मतलब कुछ जो चीज़ें बोली थी फाइब्रोमेल्जिया करके बीमारी बोली थी पैरालिसिस के अटैक के बाद में फाइब्रोमेल्जिया आप गूगल पे सर्च कर सकते हो तो वो जो बीमारी बताई थी ऐसा बोला था लाइफ टाइम क्योर नहीं होगी लाइफ टाइम वो वैसे ही रहेगी आपको गोलियां लेते रहना पड़ेगा तो उसके बाद में मैंने मेडिटेशन ब्रीदिंग टेक्निक ये चीजें सीखना स्टार्ट किया और उसके बाद में फोकस बढ़ गया नर्व सिस्टम इंप्रूव हो गई तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली गायब हो गई अभी दो साल से मैंने कोई एक गोली नहीं ली है जिससे मुझे डेली लेना पड़ता था तो मैं आपको वो जो मैंने पढ़ाई की है वो भी आपको बता दूंगा जिससे जिससे आपका पढ़ना आसान बन जाए फोकस बना रहे ठीक है और आप ज्यादा रिटेन कर पाओ जो आपने पढ़ा है ठीक है ये भी हम बीच बीच में पांच मिनट के लिए मैं टिप दे दूंगा क्योंकि आप देखो आप पढ़ने जाते हो बट अगर पढ़ाई नहीं हो रही है या फोकस नहीं हो रहा है तो पढ़ने का मतलब नहीं बनता है ना तो उसके लिए भी मैं डेली एक टिप दे दूंगा वो आप फॉलो कर लेना डेफिनेटली योर स्टडी <coughs> ओके okay, और रिटेंशन विल इंप्रूव तो चल ये चीजें मुझे बतानी थी आपके जो डाउट्स है वो मैं देखता हूं प्रॉब्लम सॉल्व होंगे यस यस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैं क्या बोल रहा हूं आपको पूरा बैच देखना है प्रॉपरली अटेंड करना है ये आपके सामने प्रॉब्लम ही ही है questions है ना और वो भी questions ऐसे है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्लर क्वेश्चन नहीं लेंगे हम डायरेक्टली वहां पर कहेंगे ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है जिसे मैं मास्टर प्रॉब्लम बुलाता हूं कि उतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके सभी एडजस्टमेंट जो है वो कवर हो जाते हैं ठीक है समय बुक या चार्ट के थ्रू आपका रिवीजन एक चैप्टर का या एक एस का दस मिनट में हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं नोट्स देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि उसका फायदा क्या है क्लियर तो वो भी आप टेंशन मत लेना सब सब टेंशन मुझ पे छोड़ दो और कुछ डाउट है देन क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस का प्लीज आप मुझ पे छोड़ दो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से वो पहले लेने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पहले लेने वाला हूं

मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लेक्चर देख लेना स्पीड के साथ मत देखना नॉर्मल स्पीड के साथ देखना लेक्चर ठीक है बहुत से स्टूडेंट क्या जल्दबाजी में कंप्लीट करने के लिए स्पीड के साथ देखते हैं फास्ट ट्रैक लेक्चर है उसमें भी आप स्पीड से देखोगे तो डोंट नो कितना इफेक्टिवली आप समझ पाओगे रिटर्न कर पाओगे तो नॉर्मल स्पीड से देखना वैसे भी ये फास्ट ट्रैक बैच है ठीक है और ये अपने प्रॉपरली बैच कंप्लीट की और जैसा मैंने बताया उस तरह से आपने पढ़ा खुद से और लिख किया एग्जाम में तो सेवेंटी मार्क्स तो ईजिली आ सकते है बोल रहा हूं उससे ज्यादा भी आ सकता है चलो यस पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी स्टार्टिंग में मैंने बता, बता yes. थैंक ने तो बोला प्रॉमिस है ठीक है पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर होगा जस्ट आपको टिल द एंड साथ रहना है लेक्चर हो सके तो लाइव में देखना लाइव में लेक्चर देखना क्यों लाइव में लेक्चर आप देखते हो तो उससे फायदा क्या हो जाता है जिस दिन लेक्चर हुआ उसी दिन आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपका कोई सिलेबस पेंडिंग नहीं है ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको बाद में बाद में वहां पे क्या है कि पेंडिंग कुछ वहां पे लेक्चर्स दिख रहा है मतलब कल देख लेंगे परसों देख लेंगे ऐसे करते करते हुए वो सभी चीज जो है ना वो बढ़ती जाती है बर्डन बढ़ता जाता है तो इस वजह से वहां पर क्या है साथ ही में लाइव में देखना लाइव में देखोगे ना तो ये जो ड्यूरेशन है लगभग लगभग एक फोर्टी डेज का जो ड्यूरेशन है फिफ्टी डेज आप मान के चलो तो उस ड्यूरेशन में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई के साथ और मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए गारंटी देता हूं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर पूरे सुन लिए मेरे पास से तो आपको याद हो जाएंगे ठीक है इतना गारंटी देता हूं कि आप बोलोगे कि सर सर आप तो एस के किंग हो हो अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड याद गए जो जो आपने हमने पढ़े आपके पास से वो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो रहे ठीक है मतलब समझेंगे समझेंगे तभी तो याद हो जाएंगे ना मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ठीक है मतलब मैं आपको चतुर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ रांचो ही बनाऊंगा जहां पे आप समझ लोगे कि ये कंसेप्ट क्या है अगर समझ में आ गए प्रॉपरली तो याद भी रह जाएंगे उसका आप टेंशन लो ठीक है स्पेशली होल्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और न्यू सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज बढ़ गया क्यों चलो सिलेबस की बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं आपको पता है कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस में देखो जो नोट्स आपके सामने यहां पे होंगे पीडीएफ में वो तो आपको मिल जाएंगे वो लिखने की जरूरत नहीं बाकी जब हम आंसर्स जब लिखेंगे तो उस वक्त आपको टाइम मिल जाता है उतना लिखने के लिए साथ ही में आप लिख सकते हो बाकी नोट्स वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा चल बताओ कौन कौन से एस है पांच मिनट में सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ी सी, सी जानकारी लेते हैं देन हम स्टार्ट करेंगे स्टडी लाइक like कर देना जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक like पक्का कर देना लाइक like करने से ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है ज्यादा स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुंचता है और आपको पता है की फीस कितनी होती है बताओ आपको पता हो जनरली जो हंड्रेड आवर्स का होता है आपने कभी चेक किया क्या कितने रुपीज में मिलता है कितनी उसकी फीस होती है अगर फीस नहीं हुई तो जनरली बुक कॉस्ट होती है बुक कॉस्ट भी एक मैंने देखा है कि थोड़ी सी होती है सबस्टेंशियल होती है तो फीस कितनी कितनी होती है तो हम ये ऐसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट सिंगल रुपी तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना बहुत सारे स्टूडेंट को अभी इसकी जरूरत है क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है तो उस वजह से सभी को जरूरत है ठीक है तो सभी स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए उनका भी फायदा होना चाहिए उनके भी पैसे बच सकते हैं आपने अगर शेयर किया तो ओके चलो तो जो भी है कॉस्ट ओके जो भी है कॉस्ट वन रुपीज भी हम नहीं लेने वाले ओके तो चल जान दो पहले तो मैं बता दू ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ऑल एस सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है शॉर्ट में बता देता हूं एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे एक से उन्तीस सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहां पे है सिलेबस में सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे एक से वन टू एस वन टू एस ट्वेंटी सभी है अच्छा

ठीक है एक से उनतीस सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट में बोल रहा हूं उसमें से आपको पता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर छह जो है ओके बाद में आर जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुके डिलीट हो चुके तो जो डिलीट हो चुके वो नहीं है बाकी सभी है आगे उसके बाद में और क्या है सर तो कंपनी अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज मतलब आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट ये सभी वहां पर बनाना है आपको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है बट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके एस थ्री में भी कवर हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है यस yes. आगे आगे और क्या है बायबैक है बाई बैक ऑफ शेयर्स या बाय ऑफ सिक्योरिटीज नाम दिया है ऑफ़ है यस yes. और अमल कमीशन देखो ये अमल कमीशन जो है ऑलरेडी ए एस फोर्टीन में कवर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ए एस वन टू ट्वेंटी नाइन है उसमें ए एस फोर्टीन जो है वो अमल कमीशन के लिए अमल तो अमलगमेशन वहां पे आपको एज एन एज फोर्टीन भी है और चैप्टर करके भी है एंड रिकंस्ट्रक्शन शॉर्ट में मैं सिलेबस आपको बता रहा रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन एंड लास्ट वन लास्ट वन अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस शायद पेन चेंज करना पड़ेगा अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस अकाउंटिंग पेन का वहां पे अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस जस्ट मिनट में पेन चेंज करता हूं तब तक के लिए स्क्रीन चेंज हो जाएगी जस्ट मिनट पेन चेंज कर रहा हूं यह लिख लेना

मैंने पहले ही एडवांस डाउट डौ, डौ, है यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने पहले एडवांस अकाउंट नहीं पढ़ा है तो ये बैच में देख सकता हूं देखो आ, देख लो मे बी मोस्टली आपको समझ में भी आ जाए बट ये एक बार पूरा एक चैप्टर देख के जज करना सभी स्टूडेंट को मैं हमेशा एक कहता हूं कि पूरा चैप्टर एक देख लो और उसके बाद में जज करना कि हमें कितने अच्छे से समझ में आ गए ठीक है उसके बाद में ही पता चलता है कि हाँ हम प्रॉपरली समझ पा रहे कंसेप्ट को हम खुद सॉल्व कर पा रहे डेली सिर्फ आपको जो हो गया है वो एक पंद्रह बीस मिनट मिनट निकाल के आपको एक बार पढ़ना है खुद से उतना एक ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा तो डेली पता चलेगा कि आपके डाउट्स क्या है दूसरे दिन वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे ओके और आपका साथ ही में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बैच के साथ ही साथ चल ओके चल ध्यान दो कौन कौन है जो एंड तक लाइव में करेगा एक बार बता दो मुझे लाइव में रहेगा एंड तक कितने लोग ऐसे कि जो क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि लाइव में देख लेंगे लाइव में देखने का फायदा यही है कि आपका सिलेबस मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगा ऐसा नहीं पेंडिंग पड़ेंगे लेक्चर लाइव में देखोगे साथ ही साथ कंप्लीट होते रहेगा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा ओके चलो तो स्टार्ट करते जस्ट मैं समरी बुक ओपन करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा समरी बुक किस तरह से मेंटेन किया उसको आपको उसका फायदा आपको एग्जाम में कैसे होगा ठीक है उस समरी बुक के थ्रू हम पढ़ लेंगे अभी एंड ये समझ बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी एक बार समझ बुक देखने के बाद में पढ़ने के बाद में एंड में बता के जाना कि सच में ये फायदेमंद लगी या नहीं लगी जस्ट मिनट जिस बुक से हम पढ़ने वाले हैं समय बुक जिससे आपके सभी एडजस्टमेंट्स कवर होने वाले हैं चैप्टर के तो वो बुक ओपन कर रहा हूं चलो ध्यान दो एवरीवन hmm. जो भी स्टूडेंट्स है जस्ट थोड़ा सा आपको भरोसा रखना है कि नहीं सर इतना बोल रहे तो करेंगे कवर करेंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है मुझे भी मेरे मेरा नाम प्यारा है मतलब मेरा गुडविल प्यारा है ठीक है मैं अगर आपका पूरा सिलेबस जैसे कमिटेड है वैसे कंप्लीट करवा दूंगा तो आप भी मुझे याद रखोगे दुआ दोगे ठीक है तो इस वजह से ये जो बोला गया वो कंप्लीट किया जाएगा टेंशन मत लेना क्लियर हां साथ ही में मुझे प्रॉमिस चाहिए आप घर पे जाके डेली आधा घंटा तो रिवाइज कर लोगे जो मैंने पढ़ा है उसी दिन आपको याद हो जाएगा जो हमने पढ़ा है अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतना एक प्रॉमिस आपके से चाहिए चलिए अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले अमल गमेशन एब्जॉर्न एंड रिकंस्ट्रक्शन जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है अकाउंट्स में ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है आगे कंसल्टेशन बट कंसल्टेशन पढ़ने से पहले मैं हमेशा अमलगमेशन पढ़ाता हूं अमलगमेशन थोड़ा समझ में आ जाए प्रॉपरली तो कंसल्टेशन और अच्छे से समझ में आ जाता है ठीक है तो कंसल्टेशन से पहले हम अमलगमेशन पढ़ लेते हैं अमलगमेशन मतलब यहां पे क्या है ए एस क्या है ए एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसके रूल दिए अजब बात है मतलब जब लोगों का अमल गिशन होता है तो फोर्टीन तो फेब्रुवरी कहा जाता है और जब कंपनीज का अमल होता है तो एज फोर्टीन कहा जाता है कुछ तो भी फोर्टीन के साथ है कि यहां पे चौदह नंबर जहां पर जुड़ता है वहां पर अमल गमीशन होते रहते हैं फोर्टीन सुन के मुझे कुछ याद आ गया बट जान दो अभी नहीं बताना है कुछ ठीक है इस यही वो दिन था जिस दिन मुझे किसी लड़की ने प्रपोज किया था यही वो दिन था किसी लड़की ने मुझे प्रपोज किया था वो लड़की आज मेरी वाइफ है ठीक है पिछले अभी पंद्रह साल हो गए वही है है एक ही वाइफ ठीक चलो आगे तो एस 14, एस 14, क्या बोलता है ठीक से समझ लेते हैं गमेशन तो बेसिकली इसका नाम है अमल बट अमल में क्या क्या कवर्ड है अमल में कवर्ड है अमल

समझाना दोनों पहले कंपनी है वो बंद हो गए और नई कंपनी आ गई तो, तो है वो बंद हो जाएंगे और नई कंपनी बन जाएगी ठीक है तो उसमें वो दोनों कंपनी पहले जो दोनों कंपनी बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे अमालिशन दूसरा एब्जॉप में क्या होता है एक्स लिमिटेड लिमिटेड है एक्स लिमिटेड लिमिटेड है उसमें से एक कंपनी जैसे कि मतलब मान लो एक्स लिमिटेड को वाइल लिमिटेड टेक ओवर करेगी मतलब लिमिटेड अपने अंदर एक्स लिमिटेड को संभालेगी क्या लेगी संभालेगी अपने अंदर ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे एप्स ऑप्शन समझा अमल के में क्या था दोनों कंपनीज़ बंद हो गई नई कंपनी बन गई दोनों कंपनी को उस कंपनी में लिया गया एप्स में क्या किया है पहले वाली कंपनी बंद हो गई और उसे कहां पे लिया गया दूसरी कंपनी के अंडर कोई नई कंपनी बनाई नहीं मतलब एक एक्जिस्टिंग कंपनी बंद होगी और दूसरी एक्जिस्टिंग कंपनी ने उसे टेक ओवर किया समझा एंड इज इट क्लियर यहां तक क्लियर लिंक नहीं खोल रहा है सर। कौन सा लिंक खोल रहे हो कहते दो लिंक मतलब ओके okay. लेक्चर का बोल रहे हो क्या <laughs> अरे व्हाट्सएप का बोल रहे हो क्या

एक नई कंपनी बनाई जाती है और पुरानी कंपनी बंद की जाती है पुरानी कंपनी का बिजनेस नई कंपनी में ट्रांसफर किया जाता है मतलब अभी आप देखो पहले केस में दो कंपनी बंद होती थी एक नई बनती थी और दोनों का बिजनेस नई कंपनी में जाता था दूसरे में कोई नई कंपनी नहीं, नहीं बनेगी एक कंपनी जो एग्जिस्टिंग है वो दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करेगी और तीसरा जो केस है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन उसमें हम पुरानी कंपनी बंद करेंगे और पुरानी कंपनी का बिजनेस नई कंपनी के नाम से स्टार्ट करेंगे ऐसा कब होता है जब कंपनी को लगता है अपने कंपनी का नाम बहुत बदनाम हो चुका है कुछ तो भी कांड कर दिया झोल कर दिया ठीक है बहुत बदनाम हो चुका है तो उस कंपनी में बिजनेस करना मतलब उस निगेटिव नाम को फिर से अच्छा बनाना बहुत मुश्किल होता है उससे बेटर है कि खोल दो, के नाम से हम बिजनेस करेंगे। तो उस वक्त वो पुराने तो ये तीन तरह के मेथड से जिससे वहां पे क्या होता है अमल में आ जाता है बोलो कौन कौन सा बोलो एव पहला क्या अमलन जिसमें दो कंपनी बंद होगी और वो दोनों कंपनी का बिजनेस नई कंपनी टेकओवर कर लेगी उसे बोलते हैं क्या होता है दो एग्जिस्टिंग कंपनी है एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस ले लिया एंड तीसरा तीसरा क्या है रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन में दो है आपको जब जब लगता है कंपनी लॉसेस है कंपनी का गुडविल इफेक्ट हो चुका है तो आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो कुछ तो भी चेंज करते हो तो इसमें चेंज क्या किया कंपनी चेंज कर दी पहले कंपनी बंद करके नई कंपनी बना दी और पहले कंपनी का बिजनेस नई कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो इसमें कोई डाउट है क्या अभी इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी समझेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसानी से समझेगी आपका काम कम हो जाएगा आपका काम कम हो जाएगा सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तीनों केस में सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है क्यों सिमिलर क्यों है क्योंकि तीनों केस में एक कंपनी अपना बिजनेस किसी और कंपनी को बेच रही है। एक तो कॉमन है ना जैसे कि अमल के में क्या हुआ था विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड ये जो दो कंपनीज है ये दोनों कंपनी ने अपना बिजनेस किसको दे दिया विनुष्का लिमिटेड में दे दिया ठीक है ये आजकल बड़े ट्रेंड चल रहे हैं विराट अनुष्का विजुष्का या लड़के के नाम से लड़की का नाम रखा जाए शादी होने के बाद में मतलब वो लॉजिक समझ में नहीं आता अच्छा खासा नाम दिया होता है माँ बाप ने क्यों चेंज करना होता है ठीक है जैसे कि मुझे बोला गया था तुम्हारा नाम रोहन है तो शादी के बाद में मैम का नाम रोहिणी कर दो एक सजेस्ट किया था मेरे दोस्त ने उसका ऐसा किया उसका नाम जो था लड़की का नाम भी वैसा रखा तो ये तो गलत बात है ना एक साइड से ही आप सोच रहे हो तो लड़की के नाम से लड़के का नाम रख दो ना सकती हूँ जैसे कि पुराने बैच में एक लड़की थी कंचन तो उसने अपने हस्बैंड का नाम क्या रखना चाहिए ठीक है तो लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो आज ये ट्रेंड चल रहा है नाम का उस हिसाब से एकदम प्यार वाले जो है वो हम नाम रखे आपस में आगे चलो तो कॉमन क्या है देखो कॉमन क्या है इस कंपनी का बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो ये कंपनी कौन सी है ट्रांसफर विश, ये कौन सी ट्रांसफरी ट्रांसफरी का मतलब क्या होता है जिसको बिजनेस मिल गया ठीक है जिसको बिजनेस मिल गया क्लियर आगे एब्जॉर्ब में क्या हुआ एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो बंद हो गई उन्होंने अपना बिजनेस सेल कर दिया और एक कंपनी ने परचेस कर लिया मतलब हर जगह पे एक या दो कंपनी बंद हो रही है और दूसरी कंपनी उसे टेक ओवर कर रही है मतलब यहां पे दो कंपनी हमेशा बनेंगे वन ट्रांसफर जिन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया जिन्होंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया और किसी को बिजनेस मिल गया तो दो कंपनियों ट्रांसफर मतलब जिसने बिजनेस सेल किया जिसने बिजनेस बंद किया अपना बिजनेस दूसरे कंपनी को दे दिया वो है ट्रांसफरर कंपनी और जिसे बिजनेस मिल गया वो है ट्रांसफरी कंपनी कोई डाउट है ये तीनों केस में नई कंपनी बन गई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में पुरानी कंपनी बंद हो गई तो उस पुरानी कंपनी कंपनी का बिजनेस नई में हमने ट्रांसफर कर दिया तो जो पुरानी कंपनी है वो हो गई ट्रांसफर कंपनी और जिस कंपनी को मिल गया बिजनेस वो है ट्रांस पहले कंपनी कौन सी ट्रांसफर जिसको मिल गया वो कौन है जिसे मिल गया वो कौन है ट्रांसफर इज इट क्लियर कोई डाउट है सिमिलरिटी क्या है यहां तक कोई डाउट है क्या

चलो आगे अमलगमेशन अमल तो इसमें दिया है कॉमन बात क्या है यहां पे देखो सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वन और मोर कंपनी गेटिंग क्लोज ये समरी बुक का फायदा समझ रहे हो क्या समरी बुक में क्या दिया है जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना एकदम शॉर्ट में करके दिए एकदम हैंड रिटर्न स्टाइल में दिए आप जैसे लिखते हो ना नोट्स निकालते हो वैसे यहां पे दिए गए ठीक है तो ये आपको फायदा है जो चैप्टर से उसकी आपको समरी मिल जाएगी उसके एडजस्टमेंट जितने हैं वो समराइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे एक कंपनी क्लोज हो रही है तो जो कंपनी क्लोज होगी उस कंपनी के बुक में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा आपने ट्वेल्थ में पार्टनरशिप पढ़ाई की नहीं। का बिजनेस जब आप बंद करते करते थे थे तो जिस जिस पार्टनरशिप का बिजनेस डिजोल्व हो रहा है वहां पर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे वैसे यहां पर जो कंपनी बंद होगी उनको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है अकाउंट क्लोज करने के लिए असेट सेल करने के लिए लाइन का पेमेंट करने के लिए हम बनाते हैं ठीक है तो जो कंपनी बंद हो रही है तो यहां पे बताओ में कौन सी कंपनी का आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए किसका आप बनाओगे? किसका बनाओगे? आपको उनके बुक में। ये कंपनी बंद हो रही है बाद में एक्स लिमिटेड को लिमिटेड ने टेक ओवर किया तो एक्स लिमिटेड बंद हो रही है वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक्स लिमिटेड लॉस में चल रही है और लिमिटेड न्यू कंपनी है एक्स लिमिटेड को बंद किया जाएगा मतलब वहां पर कौन सा बनेगा रियलाइजेशन

अनदर कंपनी ट्रांसफर न्यू है ओल्ड है फर्क नहीं पड़ता ट्रांसफर जो परचेस कर रही बिजनेस ना? वो दूसरे का बिजनेस परचेस तो उसको क्या करना पड़ेगा पांच जनरल इंट्रेस्ट फॉर द बिजनेस परचेस उनके बुक में बिजनेस परचेस दिखेगा मतलब जो कंपनी बंद हो रही है ट्रांसफर कंपनी है वहां पर क्या बनेगा बोलो ट्रांसफर कंपनी की बुक में क्या बनेगा ट्रांसफर कंपनी की बुक में क्या बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट और ट्रांसफर कंपनी की बुक में क्या बनेगा

समथिंग इन रिटर्न पढ़ा था ना फाउंडेशन में समथिंग रिटर्न हमने कुछ दिया तुम मुझे वो दो मैं तुम्हें वो दो दे दूंगा ऐसा होता है ना बदले में एक्सचेंज होता है उसे बोलते समथिंग इन रिटर्न हमने किसी का बिजनेस लिया तो बदले में कुछ देना भी पड़ेगा है हाँ ना हमने किसी से बिजनेस लिया तो बदले में कुछ तो भी देना पड़ेगा क्या दे सकते हो उनको अपने कंपनी के शेयर्स दे सकते हो वहां के शोल्डर्स को या पैसे दे सकते हो समझ में समझना ओके okay, या फिर और कुछ वहां पे जो डिमांड किया वो वहां पे दे सकते हो ठीक है तो आप क्या कर सकते हो बल्ले में कुछ तो भी देना तो पड़ेगा ना भाई अगर आपने उसके पास से कुछ लिया है सब ले लिया तो बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे ना उसे हम क्या बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन रिटर्न कुछ तो भी देना पड़ेगा क्लियर क्लियर आगे यहां तक क्लियर है ना सभी को समझ में आया ना हाँ सभी तो को समझ में आए तो परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन अच्छा आपने किसके पास से किसके पास से आपने बिजनेस ले लिया क्या उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर से आपने बिजनेस लिया है जो वहां के डिबेंचर होल्डर से उनसे आपने लिया है क्या क्या उस कंपनी के वो ओनर है क्या तो आपने किसके पास से वो बिजनेस लिया बताओ जल्दी बोलो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यस सब 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 कवर कर लेंगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ एंड तक जुड़े रहना तो बोलो वहां से वहां से हमने क्या लिया बिजनेस किसके पास से लिया डिवेंचर होल्डर के पास से लिया या उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से प्रेफरेंस शेयर के पास से लिया कौन ओनर्स होता है उस के जो हो okay. उसका पैसा देना बाकी किसको देना है कंपनी तो बंद हो गई तो किसको देना है उनके इक्विटी और प्रेफरेंस को देना है तो कभी भी परचेस कंसिडरेशन जब आप कैलकुलेट करते हो ना परचेस नाचेसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त आपने जो पेमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस को दिया है वही इंक्लूड करना याद रखना वही इंक्लूड करना

क्विटी प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस को जो डिवेंचर होल्डर को पे किया वो परचेस कंसिडरेशन नहीं होता है बता दूंगा क्यों डिबेंचर होल्डर को लिया नहीं जाता है पेमेंट मेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन ऑफ कैश इक्विटी परचेस डिवेंचर्सिडर आप उनके इक्विटी शोल्डर्स को या प्रेफरेंस को किसी भी तरीके से पेमेंट करो कैश में इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस में डिबेंचर्स में तो वो परचेस कंसिडरेशन में आता है उनके डिंचर होल्डर्स या उनके लाइबिलिटी को जो पेमेंट किया वो परचेस कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं है क्यों आगे कैलकुलेशन में बता दूंगा थोड़ी देर में आगे पेमेंट टू होल्डर इन द फॉर्म ऑफ कैश आर नॉट ट्रीटेड एज परचेस एज वेल एज रियलाइजेशन एक्सपेंसिस पेड बाय ट्रांसफर कंपनी जनरली रियलाइजेशन एक्सपेंसिस कौन पे करता किसने पे करनी चाहिए ट्रांसफर कंपनी ने या ट्रांसफर कंपनी ने किसने पे करनी चाहिए बोलो रियलाइशन एक्सपेंसिस कौन पे करेगा ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफर जो बंद कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसकी responsibility, तो जो बंद कर उसने उसने पे उसने पे करें, करें। उसके हमने हमने पे हमने पे किए, किए उसके मतलब जो बंद हो रही कंपनी उसके हमने पे किए मतलब ट्रांसफर ने पे किए तो हम कुछ पेमेंट करें ना तो वो पेमेंट जो हमने किया उस कंपनी के खर्चे का तो वो रियल सॉरी वो परचेस कंसिडरेशन में लेना चाहिए क्या

कंसिडरेशन हर प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है क्लियर सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन क्या मेथड है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किए जा सकते तीन तरीके नेट एसेट मेथड नेट एसेमेंट एंड लमसम मेथड क्या है ये अच्छे से समझना मैं देखो कंसेप्ट समझाने के लिए टाइम लूंगा बट इतनी गारंटी दूंगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तो उस वक्त आप मुझसे पहले आंसर दोगे ये मैं हंड्रेड परसेंट बोलता हूं कंसेप्ट ठीक से समझो ठीक है कंसेप्ट ठीक से समझो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप आंसर दे पाओ ऐसी तरह से कंसेप्ट समझो और मुझे आप बोलना कि जब हम आंसर सॉल्व करेंगे मेन जब क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेन तो उस वक्त आप आंसर दे पा रहे हो या नहीं ये मुझे बता देना ठीक है पहले आपको आता था ये चैप्टर नहीं आता था फर्क नहीं पड़ता है ठीक एसेट मेथड नेट पेमेंट मेथड एंड लमसम मेथड ये तीन मेथड कौन से नेट एसेट मेथड व्हाट इज नेट एसेट मेथड अगर क्वेश्चन में बताए नहीं हमने उनको कितना पेमेंट करना है कितने शेयर्स देने कितना कैश देना है कितने इक्विटी कितने कितने बताया नहीं है कितना, कितना प्रेफरेंस देना है, ये हमने नहीं बताया है क्वेश्चन में तो हम क्या कहेंगे उनसे कितनी एसेट ली माइनस उनकी कितनी को हमने पे किया मतलब मान लो मान लो किसी पर्सन से मैं दस लाख की एसेट लेता हूं उस पर्सन के ऊपर दो लाख की लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी चुका देता हूं मैं चुका देता हूं उस पर्सन की दस लाख मैंने ली और उसने मुझे बोला वो दो लाख का मेरा पेमेंट है वो करवा दो ना तो मैंने दो लाख का पेमेंट कर दिया प्रॉपर्टी तो परचेस की है बताओ सभी लोग कितना पेमेंट दे दू कितना पेमेंट दे दू बोलो एवरीवन सिंपल है ना कितना पेमेंट दे एम श्योर sure, आप गलती नहीं करोगे कितना पेमेंट करोगे दस लाख की प्रॉपर्टी ली बदले में दो लाख उसने बोला कि उस पर्सन के उसकी लाइबिलिटी है उसने मुझे बोला तुम चुका दो मैंने चुका दिये, चुका दे दिए लाख तो कितना हो जाता है मैं कितना दे दूस एवरी सिंपल है मैंने उसके पास से जितने की एसेट ली माइनस जितने की लाइबिलिटी मैंने पे की उसकी उतना कर दूंगा और बाकी जो है वो पैसा उसको पे कर दूंगा तो एसेट्स कौन से होते हैं उस कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो भी मतलब आप किसी दुकान में गए आपके पास करोड़, करोड़ रुपए है आपने उसे पूछा ठीक है तुम बेचना चाहते हो क्या वो कि क्या कपड़े लेने क्या आप बोले नहीं दुकान लेना मतलब आप पूरा बिजनेस ही ले रहे हो बिजनेस ले रहे हो मतलब क्या उनके क्लाइंट्स उनका जो नेटवर्क सब 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 आप वहां पे लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो सामने वाला पर्सन आपसे बोलेगा कि मैंने इतने दिन से मेहनत की है तो उस मेहनत के बदले में मुझे कुछ एडिशनल पैसे मिलने चाहिए एसेट तो आपको बाजार से भी मिल सकती थी तो आप हमारा बिजनेस क्यों लेना चाहते हो आप उनका बिजनेस इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि उन्होंने इतने साल बिजनेस करके कुछ गुडविल कमाया कुछ कस्टमर्स कमाए तो उनका जो गुडविल है उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा वो भी एसेट हम टेक ओवर करें उस कंपनी के उन्हें जो नाम बनाए

मतलब ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करते का का पेमेंट या का पेमेंट या फिर लेस किया है। और वो लेस करने की वजह से मुझे में होल्डर का पेमेंट इंक्लूड नहीं करना है। वो लेस हो गया है जैसे देखो, लेस, लेस, लेस प्राइस पे ली एग्रिड प्राइस हमारे बीच में जो डिसाइड थी

ठीक है ऑलरेडी आपने टोटल लाइविलिटी माइनस की है जो आपने टेक ओवर की है इस वजह से अलग से इस वजह से अलग से आपको अलग से आपको परचेस कंसिडरेशन में डिबेन्चर होल्डर का जो पेमेंट किया है हमने वो नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी परचेस कंसिडर कंसिडरेशन कैलकुलेट करते उतना लेस करके पेमेंट किया मतलब पेमेंट जो अभी किया है ना वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस होल्डर्स का ही किया डिबेंचर होल्डर का जो पेमेंट हमने किया वो तो परचेस कंसिडरेशन से लेस कर दिया उनके तो बचा किसका पेमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स का ही ना लॉजिक समझा गया ये समझा क्यों हम डिमेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं लेते हैं इज इट क्लियर ये समझ में आ गया बोलो यस और नो यस बताइए समझा ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें बहुत आसानी से समझ में आते जाएगी ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल लेस ऑल लाइबिलिटीज जो टेकोनो ओवर जो हमने लिए उतने ही लेना देखिए आप सिंपल बात है आप शॉपिंग के लिए चले गए किसी बड़े मॉल में मतलब घर का सामान आपकी शादी हो गई मान लो आप और आपकी बीवी या आप ऑलरेडी लड़की हो तो आपके हस्बैंड ऐसे वहां पे चले गए ठीक है वहां पे जाके आप घर का जो शॉपिंग हर महीने जो करते हैं जो भी ग्रोसरी लेनी है वो आपने ले ली ठीक है ग्रोसरी आपने ले ली ठीक है तो हम पैसे कैसे देंगे वहां पे जाएंगे काउंटर पे जो जो वहां पे क्या है कि दे रिया है उसका बिल बनेगा ठीक है सिंपल है ना बिल बनेगा वो हम किस में डालेंगे बैग में डालेंगे पूरा घर पे लेके आएंगे तो हमने ये शॉपिंग कर ली घर में एक एक चीजें उसमें से निकाल देंगे समझ में आएगा एक एक चीजें उसमें से निकाल देंगे तो यहाँ पे भी बिजनेस परचेस हो रहा है मतलब सभी उनके एसेट्स परचेस हो रहे हैं वो अपने बिजनेस में आ रहे वो अपने बिजनेस में आ रहे उनको हम पेमेंट जो वहां पे प्राइस मेंशन की थी या प्राइस डिसाइडेड थी उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे इसमें सिर्फ एक एडिशनल बात होती है उनकी लाइब्रेरी कुछ हमें चुकानी पड़ती है तो जितनी लाइब्रेरी हमने चुकाई उतना हमें लेस करना पड़ता है और बाकी बचा हुआ पेमेंट करेंगे तो लेस करके जो पेमेंट बचाओ किसका, बचा? बच किसका बच गया, गया। समझा ये भी है शॉपिंग वाला याद रखना आगे कंटिन्यू होने वाला है इजिली समझ में आ जाएगा आगे।

ठीक है दूसरा दूसरा नेट पेमेंट मेथड और लमसम मेथड सभी लोग ध्यान सुना लमसम लंस, मेथड या नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कंसीडर पेमेंट टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस होल्डर ओनली नोट पेमेंट टू डिमेंचर होल्डर इन कैश और डिमेंचर नॉट कंसिडर्ड पेन की चार्जिंग डाउन है थोड़ा सा तो वो पेन थोड़ा सा कुछ अलग पैटर्न बना है तो ये वाला टैब जो है मतलब मेरे पास तीन टैब है तो उसमें से ये वाला टाइप टाइप बहुत दिनों के बाद में यूज करना स्टार्ट किया इस वजह से शायद से इसकी बैटरी डाउन हो गई दूसरा पेन चेंज किया बट वो भी पेन बहुत दिनों से पड़ा हुआ था ठीक है इस वजह से पेन ज्यादा है ठीक है वो लगते रहते टीचिंग प्रोफेशन में तो पेन ज्यादा है तो इस वजह से वो चार्जिंग डाउन है तो चार्जिंग कर लूंगा आज मैं आगे पेमेंट टू डिचर होल्डर इन कैश और डिवेंचर इज नॉट कंसिडर्ड पेमेंट किसका कंसिडर करना है सिर्फ इक्विटी एंड प्रेफरेंस नेट पेमेंट मेथड नेट एसेट मेथड में क्या करते हैं एसेट्स माइनस लाइवलिडी सिंपल है उतना हम पेमेंट कर देंगे सेट में गुडविल इंक्लूड कर देना और नेट पेमेंट मेथड में आपको बताया जाता है कितने शेयर्स दिए कितना पेमेंट दिया ये डायरेक्टली बताया जाता है सिर्फ उसमें इक्विटी एंड प्रेफरेंस का पेमेंट कंसिडर करना तो पेमेंट ऑन रियलाइशन एक्सपेंस भी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो इक्विटी और प्रेफरेंस है को पेमेंट नहीं हो रहा तो रियलेशन एक्सपेंसिस का पेमेंट भी कंसिडर मत करो परचेस कंसिडरेशन कैसे आता है फिर दूसरे मेथड में पेमेंट टू इक्विटी शोल्डर्स इन कैश शेयर्स एंड डिवेंचर एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शोल्डर्स इन कैश शेयर्स डिवेंचर कैसे पेमेंट करते हो ये फर्क नहीं पड़ता आपने इक्विटी और प्रेफरेंस एस शोल्डर को पेमेंट किया तो ये परचेस कंसिडरेशन है ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस का पेमेंट ही कंसिडर करना है, है क्वेश्चन में।, में दिया हो कि डिबेंचर होल्डर को आपने दस लाख दे दिए मत लेना उसे ये ध्यान रखना तो परचेस कंसिडरेशन आपका सही आएगा क्योंकि देते हैं किसको देते हैं ओनर को देता है जिसके पास से परचेस एंड प्रेफरेंट होल्डर्स देन परचेस आपके सामने आ गया आ गया परचेस उससे क्या करना है? अच्छा मैंने मैंने दस लाख रुपए दे दिए दस लाख रुपए दे दिए दस लाख रुपए उनको दे दिए बट उनके पास से एसेट जो है एसेट जो है वो सिर्फ नेट एसेट नेट एसेट एसेट माइनस लाइबिलिटी जो होती मैंने सिर्फ आठ लाख की दी मतलब आठ लाख की एसेट मिली फिर भी मैंने पेमेंट किया दस लाख ,00 का क्यों मैंने ज्यादा पेमेंट किया बताओ क्यों मैंने ज्यादा पेमेंट किया एसेट मैंने ली दस लाख की बट पेमेंट मैंने किया आठ लाख का क्यों सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया एसेट मैंने ली आठ लाख की पेमेंट मैंने किया दस लाख का क्यों ऐसे मैंने ज्यादा पेमेंट किया ज्यादा पेमेंट करने की वजह क्या है क्यों किया होगा सर अगर गुडविल ना हो तो नहीं है तो नहीं है अभी वही बात चल रही है वैसे तो ठीक है इसमें आपको पता चल जाएगा बट नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते बट गुडविल तो मोस्ट ऑफ द केस में होगा आगे उसके बारे में डिटेल में और डिस्कशन है डोंट

करने के बाद में पता चलेगा कि कितना पेमेंट किया है उससे आप क्या लेस कर दो नेट एसेट उनके पास जो जो गुडविल के लिए आपने पेमेंट किया होगा। तो इसमें कुछ गुडविल मतलब, तो, तो नहीं बन रहा है ना ठीक है तो चलो एक बार रिवाइज करते फटाफट एक बार रिवाइज करते छोटा सा क्वेश्चन हम लेने वाले जिससे आपको कंसेप्ट और समझ में आ जाएगी अच्छे से समझ में आ जाएगी एक क्वेश्चन ले लेंगे छोटा सा तो लोग अच्छा अभी तक जो है वो समझ में आ रहा है ना अच्छे से सब लोग एक बार बता दो जितने ऑनलाइन है प्लीज एक बार बता दो स्पीड ठीक है या और बढ़ाना है कम करना है कुछ तो भी वहां पे मुझे दे दो उस तरह से मैं आगे चेंजेस कर दूंगा देखो इतना तो मैं पहले ही बता के रखता हूं कंसेप्ट डिटेल में चलेंगे कंसेप्ट अगर डिटेल में चलेंगे तो जब आंसर या क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना तो आंसर आप लोग दोगे मुझे ये चाहिए कि आप दे दो ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए कि मैं लिख रहा हूं आप सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो ये चीज नहीं होनी चाहिए आंसर आप मुझे बताओगे ना तो मेरी जीत है मैं जीत गया इतनी जो मैंने एनर्जी लगाई इतना वहां नाच रहा हूं यहां वहां पर तो ये जो एनर्जी लगा रहा हूं इसका फायदा ही नहीं होगा अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इस वजह से कंसेप्ट जो है ना वो कंसेप्ट प्रॉपरली चलाते कंसेप्ट ठीक से समझ लेना ठीक है तो सब ठीक है एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और वो मुझ मुझे छोड़ देना कैसे कवर करना है मुझे पता है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा देना है पर जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जो जनरली आसान है या जो भी है ठीक है उसके लिए कम देना है ये मैं कैटेगरीज बना के आपको पढ़ा दूंगा ठीक है तो जो इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ये हम थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे यस yes, चल एवरी वन इज फाइन थैंक यू सभी ने आंसर दे दिया यस 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 ठीक है कोई बात नहीं है। मैं जैसे जैसे मेरा एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है मैं चैट की तरफ देखता हूं जब एक कंसेप्ट का फ्लो चल रहा होता है ना उस बीच में नहीं देखता हूं ठीक है क्योंकि वो फ्लो बिगड़ जाता है बीच बीच में बार बोलने लगा या जो सुन रहे हैं उनका भी फ्लो बिगड़ जाता है ठीक है तो मैं देखूंगा चलो एक बार बता दो सभी लोग जहां पर बैठा है देखिए वहां से रिवाइज करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर क्वेश्चन में आपको परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन आने वाला है कौन किसे देगा परचेस पर्चेसेशन सिंपली ट्रांसफर ट्रांसफर कंपनी को देगा जो कंपनी बंद हो रही है उनको हमें पेमेंट देना है क्योंकि उनके एसेट्स लेने हैं तो उनको पेमेंट देना है तो पेमेंट कैसे दे सकते हो उनके टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज कर दो जो आपने लाइबिलिटीज टेक ओवर की उनके पास से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइबिलिटी हम पे कर देंगे उतने लेस करके बाकी पैसे देंगे ना

तो जब आपको क्लियरली बताया नंबर ऑफ शेयर एंड प्राइस या फिर कैश में कितना पे किया ये अगर आपको बताया जा रहा है या कितने डिमेंड चाहिए इक्विटी एंड प्रेफर एंड को तो आप पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हो नेट एसेट से जाने की जरूरत नहीं नेट पेमेंट मेथड एंड लमसम मेथड में जाओगे तो आपने पेमेंट कैलकुलेट कर पेमेंट किसका कैलकुलेट करना का कर, किसका इक्विटी एंड प्रेफरेंस का उससे उससे आप नेट एसेट अगर लेस करते हो ना तो आपको गुडविल पता चल सकता है यहां पे उल्टा कैलकुलेशन चल रहा है गुडविल पता कैसे चलेगा अगर मैंने उसको दस लाख रुपए दिए बट बदले में आठ लाख की एसेट लिए नेट एसेट तो दो लाख मैंने एक्स्ट्रा गुडविल के लिए दिया हमें पता चल जाता है सभी चीजें क्लियर हम आगे बढ़ जाएंगे यस yes. आपने दो हजार वो वाला मैराथन देखा था स्टार्टिंग का ओके क्वेश्चन सिलेक्शन आपके क्वेश्चन सिलेक्शन का फैन हूं मैं ऐसा यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्वेश्चन मैं ऐसे ही सिलेक्ट करके पढ़ाता हूँ ट्रैक बैच में स्पेशली कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा रहते ठीक है पास्ट एग्जाम का एनालिसिस करके वैसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं क्लियर ठीक है तो ये इसी वजह से मतलब वहां पे शायद से हो पाता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब होता है अच्छा खासा जो बोल रहा हूं पंद्रह सोलह साल का मैं कल का मुझे वो हमेशा याद आता है कि सर हम कैसे माने कि आपका एक्सपीरियंस पंद्रह साल का आपके चेहरे से दिखता नहीं है अब मैं बोल रहा हूं इस वजह से नहीं आप अनाउंसमेंट का वीडियो जाके देख लेना उसमें पे उस स्टूडेंट ने कमेंट डाल दिए मुझे स्टाफ ने बता दिया उन्होंने रिप्लाई किया था आपने उसके ऊपर रिप्लाई किया था कि पुणे आके चेक कर सकते हो या कंफर्म कर सकते हो हाँ ठीक है एक्सपीरियंस जैसे कैसे हो तो पढ़ाने से पता नहीं चल, चलना चाहिए चल चा, ये ये वाला जो है कनिष्का उसका थोड़ा डाउट है नॉट श्योर sure, हम नहीं बता सकते श्योर sure, इसके बारे में अभी अभी तो ये जो प्लान बन गया लॉ का मैं सर से बात करके मोस्ट प्रोबेबली लॉ की जो है फास्ट ट्रैक इंट्रोड्यूस कर दूंगा वो भी आपका टेंशन खत्म कर दूंगा ठीक है बट ग्रुप टू का थोड़ा सा डाउटफुल है मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता अभी फास्ट ट्रैक के लिए स्टार्ट हो जाएगी पुणे में फेस टू फेस में रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी उसका ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए थोड़ा सा टाइम है अभी ठीक है तो वो वहां पर स्टार्ट हो जाएगा बट अभी फास्ट ट्रैक का थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ठीक है इस वजह से कोई कमिटमेंट अभी नहीं देता हूँ कुछ हो पाता है मेरे साइड से तो मैं पक्का कर दूंगा ठीक है तपोवन ये जो अपने नाम नाम पता है कि आपको तपोवन ये नाम का मीनिंग क्या है तपोन ये मैंने जब एकेडमी स्टार्ट की तो पर्पज यही था कि ऐसा कुछ नाम रखा जाए कि जो सूट हो तो तपोन मतलब क्या ऐसी जगह जहां पे आके तपस्या करनी पड़ती है आपको सीए में आके तपस्या ही करनी पड़ती है आप तपस्या ही करते हो मैं मानता हूं कि स्टूडेंट जो सीए के होते हैं वो कितना मतलब एक होता है ना कि स्ट्रगल पेन ओके और जो होता है ना हार्डवर्क वो सभी कितना वहां पर क्या प्रॉपरली करते हैं ठीक है तो ये भी एक बड़ी तपस्या ही है ठीक है तो मैंने वो नाम सोचा तपोन रख दू कि जहां पे स्टूडेंट्स आएंगे वो तपस्या करेंगे और वो तपस्या सक्सेसफुल हो गई तो उसके आगे की लाइफ उनकी चेंज हो जाएंगे ठीक है तो उस कंसेप्ट नाम रखा गया और यहाँ पे मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि स्टूडेंट को जो है जितना हो सके उतना मैं प्रोवाइड कर सू जैसे ही फाउंडेशन की जो बैच हो गई अभी लेटेस्ट हमने जो रेगुलर बैच ली फाउंडेशन की उसमें हमने जो टेस्ट कंडक्ट करवाए कितने टेस्ट कंडक्ट करवाए होंगे आप वहाँ पे थोड़ा सा गेस करना हमने कितने टेस्ट लिए होंगे कितने टेस्ट लिए होंगे कितने टेस्ट लिए होंगे आपको क्या लगता है ठीक है तो ठीक है आप जो भी नंबर डालोगे वहां पे जो हमने टेस्ट ले लिए ठीक है वो टेस्ट थे सिक्सटी टेस्ट ले लिए चैप्टर वाइज और प्रीलिम दो एग्जाम आईसीआई मॉक टेस्ट जो क्लास में हो गए आईसीआई पैटर्न में विथ सुपरविजन ओके वो दो टेस्ट हो गए दो एग्जाम हो गए मॉक टेस्ट दो हो गए

हर टेस्ट को फाइनल एग्जाम मान के प्रिपेयर करो आपको फाइनल एग्जाम आपकी टेस्ट लगी टेस्ट पेपर लगी समझ आए तो इस तरह से टेस्ट देना इतने टेस्ट देना कि आप फाइनल एग्जाम में मतलब आपकी जो फाइनल एग्जाम है फाइनल एग्जाम मतलब आपकी जो आ, इंटर की एग्जाम है जो फाइनल होती है जो आपकी आईसीआई आईसीआई कंडक्ट करता है तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज जैसे लगे ठीक है तो इतना टारगेट ये तो इतनी टेस्ट ली जाए इतनी टेस्ट ली जाए कि स्टूडेंट को एग्जाम में जाके ऐसा ना लगे कि हम एग्जाम दे रहे हैं हम टेस्ट दे रहे हैं ऐसा वाला फीलिंग आ जाए जो जेन्यन स्टूडेंट है जिन्होंने सात टेस्ट दे दिया अब सोचो सात टेस्ट के बाद में कितनी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई होगी बहुत सी बात प्रॉब्लम वही हो होता है स्टूडेंट का राइटिंग में कम पड़ जाते हैं पढ़ाई तो सौ मार्क की बट लिख के आए सत्तर मार्क का ये क्या लॉजिक है सौ मार्क का पढ़ के गए सेवेंटी मार्क्स का लिख के आ गए क्या सेंस बनता है उसमें भाई सौ मार्क का लिख के गए सौ मार्क का पढ़ के पढ़ के गए तो लिख के भी सौ मार्क का आना चाहिए ना मैक्सिमम स्टूडेंट का पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है या पेपर में जाते हैं लिखने बैठते तो याद ही नहीं आता है क्यों क्योंकि कभी ये दोनों का कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं सोच रहे फटाफट लिख रहे फटाफट फ़ड़, इसका कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टाइम तो लगेगा ना तो इस वजह से टेस्ट 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 भूलना मत ठीक है प्रिपेयर प्रिपेयर करना करना टेस्ट देना। करना, टेस्ट देना देना लिखना 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 ठीक है ये करोगे तो रिजल्ट आना ही चाहिए क्लियर वो आना ही चाहिए और ये हमारे पास रिकॉर्ड है पूरा वेबसाइट पे कि कौन से स्टूडेंट ने कितने टेस्ट कितने टोटल टेस्ट थे उसमें से कितने किए कितने नहीं वो पेरेंट्स के पास जाता था मानते तो आप भी तपस्या मानो ठीक है और रिजल्ट आपका आना चाहिए यही उसका इंटेंशन है चल हो गया आगे बढ़ते इंटरनसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज वैल्यू इंटरनसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है इट इज रियल वैल्यू ऑफ शेयर

ऐसेट से लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा बचेगा जो बचेगा वो शोल्डर को देंगे ना तो शोल्डर को कितना देंगे एसेट मान लो अस्सी लाख के लाइब्लिटी तीस लाख के तो बचेगा शोल्डर के लिए पचास लाख तो पचास लाख कितने शेयर्स को देंगे हम एक लाख तो हर को कितना देंगे पचास रुपए तो यह होगी रियल वैल्यू ऑप्शन ये क्या होगी रियल वैल्यू ऑप्शन एक्चुअल वैल्यू ऑप्शन कितनी है पचास रुपए ठीक है ठीके? तो आपको क्या करना है इंटरनेसिक वैल्यू निकालते हो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबलेटीज तो क्या आ जाएगी नेट एसेट ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबलेटीज ठीक है इज इक्वल टू नेट एसेट तो उस केस में वहां पे क्या होगा इंट्रेंसिक वैल्यू क्या कह सकते हो गए नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नेट एसेट एसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नेट एसेट एसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो 50 लाख बच गए 80 लाख में से 3 लाख 30 लाख की लाइबिलिटी है तो 30 लाख की लाइबिलिटी चुकाने के बाद में 50 लाख किसका है शोल्डर्स का ही ना तो, 50 50, तो शे, शे पचास लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर शोल्डर कितना पचास रुपए रियल वैल्यू कभी, कभी हम शेयर इंटरनसिक वैल्यू पे एक्सचेंज करते हैं हम क्या करते हैं कितने का इंटरेंसिक वैल्यू रियल वैल्यू पचास रुपए की और हमारी कंपनी की शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है सौ रुपए की तो हम उनका बिजनेस टेक ओवर करें उनके शेयर को अपने शेयर देने तो हम क्या बोलेंगे तुम्हारा एक शेयर पचास रुपए का रियल वैल्यू शेयर के पचास रुपए और हमारा एक शेयर सौ रुपए का है तो आपके एक शेयर के बदले में हम अपना एक शेयर क्यों तो हम बोलेंगे तुम्हारे दो शेयर के बदले में हम एक अपना शेयर दे देंगे क्योंकि तुम्हारे शेयर की एक्चुअल वैल्यू औकात पचास रुपए की है हमारे शेयर की सौ रुपए हम बड़े हैं ठीक है तो इस वजह से आपके दो शेयर के बदले में हम एक ही देंगे

थोड़ा परचेस कंसिडरेशन पे क्वेश्चन लेते परचेस दो का क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा सा बीच में जो पढ़ा वो भी रिवाइज हो जाए एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट बता दो किस तरह से हो सकता है अमाल मिशन दो कंपनी बन होगी एक नई कंपनी उसे उन दोनों को टेक ओवर कर लेगी तो दोनों कंपनी कौन सी है ट्रांसफर और जो नई कंपनी है वो कौन है ट्रांसफर सॉरी ट्रांसफर क्लियर तो जो कंपनी बंद हो रही है उनके बुक में क्या बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट जो कंपनी नई बन रही है या परचेस करी उनके बुक में किसकी एंट्री होती है बिजनेस परचेस की

ये तो ये हो गया उसके बाद में हमने पढ़ा था परचेस किसको पे किया तो परचेस माना जाता है इक्विडियन प्रेफरेंस होल्डर्स को बाकी डिबेंचर होल्डर्स को पे किया रियलाइजेशन पे किए सब सब इग्नोर कर दो आप इक्विडियन प्रेफरेंस होल्डर को शेयर्स में पे करते हो डिबेंचर्स में पे करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता कैसे पे करते हो फर्क नहीं पड़ता किसको पे कर रहे हो वो आप परचेस कंसिडरेशन में ध्यान रखना इक्विटी और प्रेफरेंस को ही ध्यान में रखना उसके बाद में अगला अगला हमने पढ़ा परचेस कंसिडरेशन तीन मेथड है नेट एसेट

तो वो जो नेट एसेट बची है, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो तो एक शेयर की एक्चुअल कीमत पता चलेगी वो होती है इंटरेस्ट की वैल्यू क्लियर तो ये वहां पे सभी सर ट्रांसफर ट्रांसफर कंपनी को एसेट एक्वायर पे करेंगे या परचेस कंसिडरेशन अमाउंट एक्चुअली पे परचेस कंसिडरेशन ही करते हैं बट परचेस कंसिडरेशन कभी कभी आपको इस बेसिस पे निकालना होता है कि कितने की एसेट कितने में एक्वायर की थोड़ा सा परचेस आपको समझ में आ जाएगा अभी हम वहां पर पे ध्यान पे दे देंगे ठीक है ध्यान दो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये समझने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये हैंग हो गए आज पेन का इशू है ये टैप का इशू वो समझ में नहीं आया बहुत दिनों के बाद में ये टैब एक्चुअली ऑन किया इस वजह शाय से शायद से इशू आ रहा होगा जस्ट मिनट तब तक आपकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना कल मैं दूसरा टैबलेट लेके आता हूं ऑफिस में जो है बोर्ड साइज थोड़ा बड़ा कर दो यस कर दूंगा इसमें अगर इशू आ रहा है तो जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हो गए स्टार्टिंग में मैंने ये सभी चीज़ें एक्चुअली एक्सप्लेन की है जो अभी आप डाउट्स पूछ रहे हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद में एक बार देख लेना स्टार्टिंग में दस मिनट दस मिनट में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे लेक्चर खत्म होने के बाद में स्टार्टिंग का दस मिनट देख लेना प्लीज़ ठीक है मतलब वही चीज़ें अभी फिर से रिपीट कर दूंगा तो स्टार्टिंग से जो बने हुए स्टूडेंट्स उनके लिए वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ठीक है तो उतना समझ लेना ठीक है मैं मैंने स्टार्टिंग में ये सभी चीज़ें बता दी है आपके जो डाउट्स है ना वो चलो ध्यान दो ये क्वेश्चन देख लो ये क्वेश्चन देख लो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन इन डिफरेंट सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड तो ये बैलेंस शीट किसकी है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की बराबर ये बैलेंस शीट है आगे एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन एट विच डेट ए लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड

लोगों तक पहुंचता है उसे रिकमेंड करता है ठीक है तो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको पसंद तो आ रहा है समझ में तो आ रहा है तो लाइक तो बनता है यस क्या बोलेंगे यस यस क्या क्या बात है बोलेंगे उसे हम मतलब ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी बी लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग कंपनी है दोनों भी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती है अपने अंदर लेती है तो मतलब क्या होता है एब्जॉपन होता है ठीक है सही है है बट इससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आगे सेम ही होते मुझे जस्ट चेक करना था कि आपको सब समझ में आ रहा है इक्विटी शेयर्स कितने हैं हैं इक्विटी शेयर्स कितने ए कितने ए कितने ए ए लिमिटेड लिमिटेड पांच लाख सभी इंफॉर्मेशन वहां पे दिए बी लिमिटेड के दस लाख दस लाख रुपीस के बाद में सभी दिए रिजर्व कितना है ट्वेंटी सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड बारह परसेंट डिवेंचर कितने क्रेडिटर्स कितने इसमें से आप देखो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी जो है ये दो है 12 dimensions receipt, liability, तो capital ही है ना, और रिजोर्स लाइबिलिटी है Shoulders का होता है 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 तो तो उनको मिलेगा या liability है नहीं ठीक तो ये बाकी सभी चीजें दी है ठीक है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होते इसे हम बोल सकते ये फिफ्टीशियस है इसका कोई काम नहीं है ठीक है, है तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होंगे तो पहला

मतलब लिमिटेड में कहा कि आपके सिर्फ मुझे दे और ट्रेड लाइबिलिटीज दे दो ठीक है देख लेंगे आगे दे देंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट भी कर देंगे हाँ चलो नेक्स्ट बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ टेन इच दस का एक इक्विटी शेयर इश्यू किया जाएगा आठ पेड़ मतलब क्या होता है दस का इक्विटी शेयर एट पेडअप में इशू किया जाएगा इसका मतलब क्या है दस रुपए में इश्यू किया है तो बाकी के दो रुपए का क्या बाकी के दो रुपए पेडअप माना है मतलब दस रुपए में इशू कर रहे हैं दस रुपए का शेयर एट रुपीज पेडअप मान रहे हैं बाकी का दो रुपए ले लेंगे आगे उसे पेडअप कितना मान रहे कितना पैसा आगे मान रहे हैं आठ रुपए ठीक है एंड एट अ प्रीमियम ऑफ फोर्टी पर शेयर प्रीमियम कितना उसे फोर्टी सेवन रुपीज प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एंड बैलेंस इन कैश सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी उनका परचेस सिक्स पे करना है शेयर्स में करना है और चालीस परसेंट कैश में करना है साठ परसेंट शेयर्स में करना है चालीस परसेंट कैश में करना है समझा ये तो समझ में आ गया अभी साठ परसेंट जो शेयर्स में करेंगे जो भी साठ परसेंट अमाउंट आएगा उनके परचेस कंसिडरेशन का वो कैसे करना है जो भी शेयर है वो हम कितने के मान रहे <coughs> कितने के मान रहे दस रुपए का एक शेयर बट सेवन प्रीमियम तो हम एक कितने का मान रहे फिफ्टी फाइव का, का एक शेयर मान रहे है क्लियर टू द एक्सटेंट ऑफ फिफ्टी फाइव का एक शेयर मान रहे एंड द बैलेंस इन कैश फोर्टी फोर्टी परसेंट इन कैश चलो सब लोग बता दो हमें किसको पेमेंट करना है कौन किसे पेमेंट करे सबसे पहले क्लियर कर लो माइंड सेट क्लियर कर लो माइंड में क्लियर कर लो कौन किसे पेमेंट करने वाला है कौन किसे परचेस कंसिडरेशन देगा अगर लोन हो नहीं नहीं वो तो ट्रेड लाइबिलिटीज बोल रहे हैं मतलब क्या ट्रेड मतलब जो बिजनेस बिजनेस करते वक्त परचेस सेल करते वक्त जो लाइबिलिटीज आती है तो क्रेडिटर्स आता है ना उसमें तो क्रेडिटर्स ही लेंगे इसमें चलो बताओ कौन किसका ए लिमिटेड बी लिमिटेड तो ए लिमिटेड पेमेंट टू बी लिमिटेड कितना पेमेंट करेगी जितने की लिए एसेट लिएटी स्टेक टू नेट एसेट तो चलो जितनी नेट एसेट इक्वल टू नेट एसेट एक्वायर्ड नेट एसेट एक्वायर्ड इक्वल टू नेट एसेट acquired क्लियर तो नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड कोई तो आया आप लोग उनसे मिलने एक मेहमान एक क्यूट सा मेहमान आए बोलो सभी को ये डेली जब मैं क्लास लेता हूं तो यहां पे आके बैठता है मुझे मिल मेरे पास से रहता है ठीक है ये भी सीखता है ये भी कल जाके कुछ तो भी बड़ी एग्जाम देगा अकाउंट सीख के जाएगा सब एक बार हाँ दस हम्म चलो फिक्स एसेट क्या के लिए हमने उनके एसेट्स ले लिए क्या क्या ले लिया फिक्स असेट फिक्स एसेट फिक्स एसेट कितने की है हमने उनकी एसेट ले ली कितने में ले ली ये नहीं बताया तो हम मान के चलेंगे जितनी प्राइस में दिख रही उतने में ले ली अगर बताया होता उन्होंने एक्चुअली ग्यारह लाख के ऊपर लाख में ली तो कैलकुलेशन में, में पंद्रह लाख लेना पड़ता उनका पेमेंट पंद्रह लाख के हिसाब से ही करना पड़ता अगर हमारे बीच में एग्रीड है कि पंद्रह लाख में वो एसेट बेचेंगे तो उनके बुक में क्या प्राइस दिख रही है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है हमारे बीच में जो एग्रीड है वही लेंगे बट यहाँ पे बताया नहीं कितने में लिया इस वजह से बुक में जो प्राइस दिख रही है उसी प्राइस पे मैंने वो एसेट लिया ऐसा हम मान के चलेंगे ठीक है तो फिक्स एसेट कितने की है बोलो ग्यारह लाख एसेट कितने की ग्यारह लाख प्लस क्या लिया उनके पास से करंट एसेट भी ले ली एसेट्स ले लिए करंट एसेट्स करंट एसेट कितने की ले ली सर क्वेश्चन दोबारा चेक करो क्या हुआ क्वेश्चन में ग्यारह लाख की एसेट ले ली ग्यारह लाख के एसेट के बाद में क्या लिया फोलैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड का करंट एसेट टोटल तो सब ठीक है ना ठीक है ना चलो बाद में फोलैख क्या सिक्सटी फाइव थाउजेंड की दूसरी एसेट Sorry सभी को आज पे इनका इश्यू आ रहा है फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो थोड़ा सा बाद में सर मिसलेनियस ये कोई एसेट नहीं होती है उन्होंने कोई प्रीमियम एक्सपेंसेस कर दिए तो मुझे क्या बेचेंगे ना वो तो खर्चे उनके ठीक है तो एसेट में मैंने नहीं लिया माइनस माइनस <coughs> ट्रेड लाइबिलिटी मतलब ट्रेड लाइबिलिटी कितने की है ट्रेड लाइबिलिटी की ट्रेड लाइबिलिटी कितनी की है पचपन हजार पचपन हजार माइनस तो कितना होगा फिफ्टीन तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन लाख टेन थाउजेंड फिफ्टीन लाख टेन थाउजेंड फिफ्टीन लाख टेन थाउजेंड यहां पे कुछ फिर टाइपिंग का गड़बड़ हो गई है वेल्यूश एन बी लिमिटेड बी लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड बी लिमिटेड वॉज टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड नहीं यहां पे टाइपिंग में जो है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी ठीक है बट ये मुझे पता है इतने साल से पढ़ा रहा हूं ये बी लिमिटेड गई अभी इस बार क्वेश्चन न्यू सिलेबस कहते हो कुछ चेंजेस किए गए तो उसमें क्या यह कन्फ्यूजन हो गया होगा ये फास्ट फास्टैग बैच के नोट्स बनाते हो ठीक है ऊपर का बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड होता है क्लियर चल कितना है पंद्रह लाख दस हजार

लिमिटेड लिमिटेड को नीचे नीचे आप देखते हो तो नीचे सभी वहां पे है. तो सभी पे है क्या क्या लिया का एक बार बता तो कट, कट पंद्रह लाख दस, दस हजार का हो गया पंद्रह लाख दस हजार अभी आप देखो पंद्रह लाख दस हजार का पेमेंट कैसे करना है उनको पंद्रह लाख दस हजार चुकाने हैं नेट ऑब्लिक इसमें गुडविल कुछ भी नहीं दिया है नहीं दिया तो हमने इग्नोर कर दिया अगर बोला ही नहीं गुड़विल देना है तो उस केस में कैसे देख रहे हैं हम अपने मन से तो नहीं मान सकते ना ठीक है तो उस केस में वहां पे गुड़विल इग्नोर कर रहे हैं तो यही आपका क्या है परचेस कंसिडरेशन ठीक है तो कैसे देंगे सिक्सटी परसेंट सिक्सटी परसेंट इन शेयर्स ठीक है एंड फोर्टी परसेंट इन कैश तो चलो कैलकुलेट कर लो पंद्रह लाख दस हजार का पंद्रह लाख दस हजार का सिक्सटी परसेंट मुझे बता दो पंद्रह लाख दस हजार का सिक्सटी परसेंट कितना आता है पंद्रह लाख दस हजार का सिक्सटी परसेंट कितना आता है अभी तो क्लियर है ना ऊपर वहां पे हुआ था बट नीचे जो सिचुएशन दिया गया सिचुएशन में तो क्लियरली बताया ना एलिमिटेड एसेट टेक ओवर कर रहा है ए लिमिटेड लिमिटेड बी को कर रहा है ये तो सिचुएशन में बताया गया ना। बोलो, कितना? 60 में देने. और बाकी बचा कितना मिनिमम दो घंटे क्लास रहने वाली है सिक्स लैख फोर थाउजेंड तो सिक्स लैख फोर थाउजेंड तो हम कैश में देंगे अच्छा आपको यह भी आगे निकलना पड़ता है निकालना है कि नाइन लैख सिक्स थाउजेंड के शेयर्स देने बट कितने शेयर्स देने कितने शेयर्स देने तो एक शेयर हमने इशू किया फिफ्टी फाइव में बराबर कितने में फिफ्टी फाइव में फिफ्टी फाइव में कैसे वन शेयर हमने अपना शेयर ए लिमिटेड ने अपना शेयर इशू किया वन शेयर इशूड एट इशूड एट फिफ्टी फाइव कैसे आया एट रुपीज पहले जो पेड अप माने थे जो आ गए माने थे और फोर्टी सेवन रुपीज का प्रीमियम मतलब कितना आता है फिफ्टी फाइव तो नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने नाइन लैख सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय फिफ्टी फाइव ईच कितने आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स उनको देने एक पचपन का है एक पचपन का है 47 तो प्रीमियम है शेयर दस रुपए का बोला है आठ रुपए अप अभी पैसे आठ रुपए आगे ऐसा मान रहे हैं तो हम अभी जो शेयर दे रहे हैं उसकी वैल्यू जो आठ रुपए अप मान रहे हैं और प्लस फोर्टी सेवन का प्रीमियम कंसिडर करे तो टोटल फिफ्टी फाइव हो गए ना मुझे फ्रैक्शन भी बता दो सभी लोग फ्रैक्शन के साथ बता दो फ्रैक्शन के साथ बता दो सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवनटी टू सिक्सटीन थाउजेंड फोर टू पॉइंट पॉइंट कुछ तो भी आएगा ना फोर सेवेंटी टू पॉइंट पॉइंट सेवेंटी टू ऐसा ही टू है ना यहां पे देखो पॉइंट सेवेंटी टू आ रहा है फ्रैक्शन भी कंसिडर करना है भूलना होता हमेंटीन सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी टू पॉइंट सेवेंटी टू शेयर देने सर लेकिन फ्रैक्शन में कैसे शेयर देंगे सर आपकी बात एकदम सही है आपने एकदम बराबर बात बोली फ्रैक्शन में कैसे देंगे तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना वो हम कैश में पे कर देते फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो हम किस में पे करते कैश में पे कर देते में। वो पॉइंट सेवनटी टू है ना उतने का हमें कैश देना ठीक है तो आप कैश देते वक्त एक शेयर की कितनी कीमत है उसका पॉइंट सेवनटी टू कैश देना तो कितनी शेयर्स की वैल्यू आने वैसे तो क्वेश्चन में पचपन दिया है ठीक है बट क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी दी है उस शेयर की मार्केट प्राइस जो वो हंड्रेड है जब आप कैश में चुकाते हो चुका फ्रैक्शन वाला तो जनरली मार्केट प्राइस कितनी है उसका फ्रैक्शन में चुकाते हो मतलब चुका सेवनटी टू है वो मैं अगर फ्रैक्शन में चुकाऊंगा तो हंड्रेड रुपीज मार्केट प्राइस के हिसाब से पॉइंट सेवेंटी टू सेवेंटी टू टू रुपीज उसको दे दूंगा समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं कितना दे दूंगा सेवेंटी टू उसे दे दूंगा मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दी है इस वजह से मार्केट प्राइस अगर मार्केट प्राइस नहीं दी होती तो जितना प्राइस यहाँ पे अभी कितना प्राइस है उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता तो कोई टेंशन नहीं है बट मार्केट में क्या दी है सो मार्केट प्राइस दिया ना क्वेश्चन में क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी है तो चलो और बाकी का सिक्स लैख फोर तो हम परचेस कंसिडरेशन कितने देंगे तो सिक्सटी परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन पहला इन शेयर्स इन शेयर्स सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी टू फोर सेवेंटी टू इन टू फिफ्टी फाइव कितना आता है कितना आता है बाद में इन कैश फॉर इन कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर देखो यहां पे क्वेश्चन में ऊपर आप देखते हो तो क्वेश्चन में हंड्रेड रुपीज शेयर की मार्केट प्राइस बता दिए जो फ्रैक्शन में आया है ना उतना मार्केट प्राइस के हिसाब से चुकाते हैं दे सकते हैं ना क्या फर्क पड़ता है इतना सौ रुपए वो चिल्लाएगा सामने वाला नहीं मुझे शेयर दे दो मार्केट में तो सौ रुपए में मिलता है आप हमें पचपन के हिसाब से कैलकुलेशन करके दे रहा हो उसका पैसा ठीक है तो वो बोलेगा उससे बेटर है कि सौ के हिसाब से कैलकुलेट कर लो एक फ्रैक्शन है पॉइंट सेवेंटी टू तो उसके लिए कितना पैसा आपका बीस पच्चीस रुपए ज्यादा जाएगा क्या टेंशन लेने वाली बात है ठीक है तो इस वजह से मार्केट प्राइस के हिसाब से उसे पे कर देंगे ठीक है तो हंड्रेड इन टू पॉइंट सेवेंटी टू कितना आता है सेवनटी टू नेक्स्ट इन कैश रिमेनिंग इन कैश रिमेनिंग इन कैश कितना है रिमेनिंग इन कैश वो तो कैलकुलेट किया था नाइन ना लैख सिक्स थाउजेंड ऊपर का कितना आया है अमाउंट कितना आ रहा है ऊपर का नाइन लैख फाइव थाउजेंड नाइन लैख फाइव थाउजेंड नाइन सिक्सटी नाइन लैख फाइव थाउजेंड नाइन सिक्सटी तो टोटल ले लो टोटल ले लो देखो आपको डाउट ना हो इसकी वजह से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं देखो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कर रहे हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन है अच्छे खासे मतलब जो होते हैं ना वेटेज वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड रह सकते हैं देखो ये बड़ा क्वेश्चन है ये हमें क्लास में सॉल्व करना है मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए कुछ तो भी वहां पे पढ़ा के जाऊंगा ऐसा नहीं बहुत सीरियसली हम इन चीजों को लेके चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सभी वहां पे कवर हो जाएंगे देखो ये क्वेश्चन भी आप देख लो बड़ा क्वेश्चन है ठीक है अगर मान लो आ गया क्वेश्चन तो पंद्रह से बीस मार्क के लिए आसपास क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का ठीक है ये भी आप क्वेश्चन देख लो ठीक है तो ये क्वेश्चन हमें क्लास में सॉल्व करना है क्लियर तो ये हम करेंगे सॉल्व कोई टेंशन वाली बात नहीं है फास्ट ट्रैक बैच में सॉल्व करना है हमें ठीक है होप सो नाउ यू आर हैप्पी कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी खोल दिए कि क्वेश्चन हमें लेने हैं समझा कितना आता है टोटल टोटल कितना आता है सॉरी नाइन लैख सिक्स थाउजेंड इसका ही लिख दिया ना मैंने सिक्स लैख फोर थाउजेंड यस नोट्स में क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं होंगे सॉल्यूशन तो आपको क्लास में ही मिलेंगे ये तो क्लास में ही किया जाएगा टोटल इतना है बोलो एक बार फिफ्टीन लैख टेन थाउजेंड थर्टी टू के हिसाब से नहीं लिया हंड्रेड के हिसाब से लिया क्योंकि मार्केट प्राइस शेयर की हंड्रेड रुपीज है इस वजह से ऐसा हमने चेंज कर दिया थोड़ा हमने चेंज कर दिया क्लियर वो जिसको हम पैसे दे रहे ना वो बोलेगा ना कि नहीं मुझे शेयर ही दे दो मार्केट में तो शेयर की कीमत सौ रुपए तो शेयर दे दो ऐसा वो बोलेगा ठीक है तो वो सामने सिंपल बात है ना कि मुझे एक शेयर मिल रहा है जो मार्केट में जाके बेचूंगा मैं में और उसकी कैश आप पचपन रुपए हो तो आप थोड़ा सा बुरा लगेगा ना इसलिए से जब फ्रैक्शन में आता है वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसलिए से मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है क्लियर तो यहाँ पे देखो ये समझा सभी लोग कैसे कैलकुलेट किया देखो हमने बी लिमिटेड की हमने बी लिमिटेड की एसेट कौन कौन सी ली क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन में बताया उसकी कितने में ली एसेट ये नहीं बताया तो जितना प्राइस है उतने में ले लिया ऐसा मान के चल रहे अगर क्वेश्चन में बताया होता कि उनकी फिक्स हमने पंद्रह लाख में ली तो यहां पर मैं ग्यारह लाख की जगह लाख लिख देता करंट एसेट मैंने फोर लैख फाइव थाउजेंड ही दिखा दिया क्योंकि उसमें कोई अलग प्राइस या अलग अमाउंट मेंशन नहीं है। ठीक है ट्रेड लाइबिलिटी वो हम चुकाएंगे तो उतना लेस करके बाकी पैसे बचते हैं पंद्रह लाख दस हजार उसमें से सिक्सटी परसेंट शेयर में देंगे फोर्टी परसेंट कैश में देंगे ठीक है तो जितना कैश में देंगे वो तो इजिली आ गया नाइन लाख डिवाइड थाउजेंडिड से हमने कर दिया तो सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी टू पॉइंट सेवेंटी टू आगे पर पॉइंट सेवेंटी टू शेयर नहीं दे सकते तो उसे हम कैश में दे रहे हैं पॉइंट सेवेंटी टू का लेकिन कैलकुलेट करते हम मार्केट प्राइस से ले रहे हैं ठीक है अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिए तो जो प्राइस आपको क्वेश्चन में दी है उसी से ही कैलकुलेट कर देना कोई टेंशन नहीं ठीक है तो यहां पे आ गया नाइन लैख फाइव थाउजेंड ये तो हमने शेयर्स दे दिए पचपन रुपए के लेकिन पॉइंट सेवेंटी टू हमने हंड्रेड के हिसाब से वहां पे पेमेंट कर दिया और रिमेनिंग इन कैश इज इज इट क्लियर क्लियर समझा परचेस कंसिडरेशन देखो मैं आपको बहुत सिंपल वाले परचेस कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूं क्वेश्चन परचेस कंसिडरेशन के क्वेश्चन लेते वक्त भी मैं ऐसे ले रहा हूं जो थोड़ा सोचना पड़े ठीक है नहीं तो डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स हमने पांच लाख के दे दिए

मान मान लो लो ने ने आपकी लेने की सोची। मान लो, ने आपकी लेने लेने की की सोची सोची एग्जाम वो उन्होंने सोचा कि लेनी, तो लेनी है समझा नहीं तो, तो डायरेक्टली बोलता इक्विटी शोल्डर को दस हजार शेयर पचास का एक सिंपल वाला ठीक है प्रेफरेंस को पांच हजार शेयर इशू के सौ का एक और कैश भी दे दी पांच लाख रुपए आप सिर्फ ऐड कर दोगे ना तो उसमें क्या चैलेंज है तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना वो भी थोड़े से ऐसे दे रहा हूं जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़े आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ भी आए एग्जाम में तो भाई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर ए लिमिटेड डिडंट टू कब द डिवेंचर होल्डर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इज इट नॉट मैंडेटरी मैंडेटरी नहीं है देखो हम जब उनका बिजनेस लेते हैं तो पूरे एसेट्स लेने ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है

बट अमल ऑफ मर्जर जब होता है ना तो सभी एसेट्स लाइब्रेरी स्टेक होते हैं उस पर हम आए नहीं इस वजह से आपको ये डाउट आया होगा आगे वो कंसेप्ट होने के बाद में वो भी डाउट खत्म हो जाएगा डोंट डोन्ट नेक्स्ट कितना है पंद्रह लाख दस हजार ये बराबर है ना आगे दूसरा देख लो समझा कि नहीं एक बार सभी लोग बोलो यस इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ दोनों कंपनीज क्या सोचते हैं कौन से एसेट लेने हैं कौन से नहीं लेने शायद से जो कंपनी टेक ओवर कर रही है उनको उस एसेट की या लाइवलिटी की जरूरत ही नहीं है या कुछ वैसा जो भी हो सकता है वो आपस में बात कर लेंगे नाइन सिक्सटी है ये मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा है इस वजह से कुछ वहां पे जगह पे ऐसे बीच बीच में क्या पा रहे चल आगे अगला क्या बोला है सेकंड देख लो

वो आपस में शेयर्स इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे एक्सचेंज करेंगे तो हमें दोनों कंपनी की शेयर्स की इंटरेंसिक वैल्यू निकालनी है शेयर्स की इंटरसिक मतलब रियल वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालोगे रियल वैल्यू उसकी बताओ कैसे निकालोगे रियल वैल्यू रियल वैल्यू कैसे निकालोगे अभी बताया था ना इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालते सिंपल उस कंपनी के एसेट्स से उस कंपनी की लाइवलिटी माइनस कर दो तो अगर आप एसेट्स से लाइबिलिटीज माइनस करते हो अगर आप एसेट्स से लाइबिलिटीज माइनस करते हो तो बचता क्या है नेट एसेट जो शेल्डर्स की है तो जो शेल्डर्स के पैसे उससे नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो तो रियल वैल्यू पता चल जाएगी याद है कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था हा चलो तो दूसरा वहां पे देख लो इंटरसिक वैल्यू निकाल

नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो पर शेयर इंट्रेंसिक वैल्यू पता चल जाएगी तो चलो दोनों का भी करते हैं इंटरेंसिक वैल्यू फर्स्ट विल फाइंड आउट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट इंटरेंसिक वैल्यू इंटरेंसिक वैल्यू यस इंटरेंसिक वैल्यू कैसे निकालें पहले दोनों का निकालना है क्योंकि वो आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे इज इट क्लियर ए लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है देखो ए लिमिटेड की भी फिक्स एसेट है एक साथ निकाल देंगे फिक्स एसेट फिक्स एसेट ए लिमिटेड कितनी है ए लिमिटेड की फिक्स एसेट है 22 लाख की क्वेश्चन में यहां पे देखो 22 लाख की है 22 लाख की फिक्स एसेट है करंट एसेट 0 लाख 30000 के एक्सपेंसेस नहीं लेने एसेट में वो एसेट नहीं होता है ठीक है बाद में करंट एसेट है दोनों का साथ में ही लिखते हैं नाइन लैख थर्टी थाउजेंड बाद में, बी का भी लिख दो साथ ही साथ कैलकुलेट हो जाएगा साथ ही साथ कैलकुलेट हो जाएगा बी लिमिटेड का क्या है ग्यारह लाख ,00 और फोर लैख सिक्स फाइव थाउजेंड ग्यारह लाख एलेवन लैख एंड फोर लैख थाउजेंड ये उनके पास एसेट है दोनों के पास रिस्पेक्टिवली तो दोनों की टोटल मुझे बता दो ये तो बाईस लाख में नौ लाख तीस हजार आ गए तो बाईस प्लस नौ इकतीस इकतीस लाख तीस हजार इकतीस लाख हजार।, हजार और इसका कितना है फिफ्टीन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड एसेट है लेस लाइबिलिटीज सर पहले तो आपने वो एसेट और लाइबिलिटीज ली थी जो टेक ओवर की है

क्योंकि यहां पे मुझे शेयर्स की वैल्यू निकालनी है यहां पे ये यह मैं नहीं देख रहा हूं कितने एसेट्स लिए दिए मुझे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। कितना है दो लाख बीस हजार और इसका कितना है एक लाख दस हजार सभी एसेट्स एंड लाइब्रेरी लेनी है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये एसेट नहीं होती है एक तरह तो फिफ्टी शेयर तो कभी परचेस कंसिडरेशन मतलब आपने कुछ खर्चा किया जिस खर्चे का फ्यूचर में कोई फायदा नहीं उसके लिए मैं क्यों पेमेंट करूंगा तो ये एसेट में लेता ले लेंगे नहीं तो एक लाख साठ हजार एंड दूसरा क्या पचपन हजार एक लाख साठ हजार एंड पचपन हजार चल कितना आता है बोलो दो लाख बीस हजार कितना आता है बोलो फटाफट कैलकुलेशन है इकतीस लाख उसमें से दो लाख बीस हजार लेस करना है और एक लाख साठ हजार मतलब तीन लाख अस्सी हजार लेस करना है तो तीन लाख अस्सी हजार के लेस किए अट्ठाईस सत्ताईस लाख सत्ताईस लाख पचास हजार और यहाँ से अगर मैंने करिए तो कुछ बना तो चौदह लाख दस हजार चलो मुझे यह पता चल गया है कि दोनों कंपनी के पास कितनी नेट एसेट है दोनों कंपनी के पास कितनी नेट एसेट है मुझे पता चल गया इज इट क्लियर दोनों कंपनी के पास कितनी नेट एसेट है मुझे पता चल गया अभी अभी हम निकालेंगे उस कंपनी के शेयर्स की इंटरनेंसिक वैल्यू इंटरनेंसिक वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स ए लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बताओ ए लिमिटेड के कितने पांच लाख रुपीस के शेयर से दस रुपए का एक मतलब पचास हजार है और बी लिमिटेड के दस लाख है दस रुपए का एक तो पचास हजार एक लाख पचास हजार एक लाख यहां पे पचास हजार और यहां पे एक लाख ठीक है तो इंट्रेंसिक वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाले

ये चौदह लाख है ओ चौदह लाख ही है <coughs> कितना आ रहा है एलिमिटेड दस हजार मैंने ओरली कैलकुलेट किया था चौदह लाख ही है बराबर तो कितना आ रहा है पचपन कितना आ रहा है पचपन ये है कि पचपन ही आ रहा है हमने सिचुएशन वन में पचपन दिया था ठीक है बट ये को इंसिडेंटली वही आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना तो ये पचपन यहाँ पे इस कैलकुलेशन से आ रहा है इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है हो सकता है ना एक्चुअल वैल्यू पचपन आ रही है बट वो सामने वाले निगोशिएट करके साठ रुपए में ले रहा है ऐसा भी हो सकता है तो दोनों में चेंज हो सकता है बट आपको देखा जाए तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा दोनों में से एक आएगा ना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या तो इंट्रेसिक वैल्यू से जाओ या फिर नेट एसेट मेथड से चले जाओ तो पचपन और यहां पर कितना आ रहा है फोर्टीन ना फोर्टीन यस yes. चल चल क्या यह सही रहेगा बी लिमिटेड के एक शोल्डर को जिसके पास एक शेयर है उसको ए लिमिटेड का एक शेयर मिले यह सही रहेगा इज इट ओके इज इट फाइन क्या यह ठीक है क्या यह ठीक है उनके एक लाख शेयर्स के बदले में हम ए लिमिटेड के एक लाख शेयर्स दे क्या यह ठीक है उनके चौदह रुपए के शेयर्स के फोर्टीन रुपीज के शेयर्स के बदले में हम फिफ्टी फाइव रुपीज का एक शेयर दे, नो okay? no. तो कैसे दे फिर उनकी एसेट हम लेंगे तो कितने लेंगे लाख की? ,00 अगर उनकी एसेट हम ले रहे तो कितने के लेंगे कितने के लेंगे फोर्टीन लाख की कितने के लेंगे फोर्टीन लाख की बराबर तो अगर हम फोर्टीन लाख ,00 के एसेट ले रहे ठीक है थीके? एसेट टेकन ओवर एसेट ऑफ बी लिमिटेड लाख के बदले में एक शेयर कितने का देंगे सभी लोग बोलेंगे सभी लोग बी लिमिटेड के फोर्टीन लाख ,00 का जो एसेट हमने लिए फोर्टीन लाख के एसेट जो लिया है उसके बदले में हम फिफ्टी फाइव रुपीज का एक शेयर देंगे ना या फोर्टीन रुपीज में एक शेयर देंगे अपना फिफ्टी फाइव रुपीज का एक शेयर फोर्टीन रुपीज में देंगे क्या उनके फोर्टीन लाख के ऐसे अपने शेयर्स उनको देने तो अपने जो शेयर्स दे रहे हैं वो एक शेयर कितने में देंगे फोर्टीन में देंगे अपना एक शेयर या फिफ्टी फाइव में देंगे ये मुझे आपसे पूछना है कितने में देंगे यस yes, राइट right. आपको देखो आंसर देते हैं ना स्टूडेंट्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब मैं बता नहीं सकता जब आप लोग आंसर देते हो तो ऐसा लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है तो इस वजह से आंसर देते जाओ बहुत खुशी मिलती है मुझे एक्चुअल में मैं खुश होता हूँ जब स्टूडेंट्स आंसर देते हैं ठीक है तो यही तो एक मतलब मेरे लिए एक साइन है ना कि हाँ मतलब मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ तो भी रिजल्ट आ रहा है इमीजिएटली बाकी आपका एग्जाम में तो रिजल्ट आएगा हंड्रेड पास हो जाओगे ठीक है तो यहां पे इतना 55 में रहेंगे ना अपना एक एक हाँ का कुछ वहाँ पे गलत आ सकता है देखो आप लिमिटेड लिमिटेड हो आपके शेयर की कीमत मतलब है आपने तो, आप तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो तो ने तो बता दिया है मैक्सिमम स्टूडेंट ने कितना बता दिया फिफ्टी फाइव बता दिया है जो कि फिफ्टी फाइव सही है

मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो उसकी रियल वैल्यू है एसेट के हिसाब से और मार्केट में बहुत सी बार उससे ज्यादा ही होती है समझ में आया क्या सभी को जिन स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन था बताओ कोई डाउट हो दो पचपन से डिवाइड कर दो तो कितने आ जाते हैं शेयर्स कितने आता है नंबर ऑफ शेयर्स बोलो कितने आते हैं एवरीवन सभी को समझ में आया इंटरसिक वैल्यू कितना है फोर्टीन लाख डिवाइड बाय पचपन कितना आता है बता दो मुझे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड

आई थिंक थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लेना ओपन हो जाएगा कोई प्रॉब्लम मुझे तो अभी नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आना चाहिए तो बोलो परचेस कंसिडरेशन परचेस कंसिडरेशन तो कितना है इंशर्स ट्वेंटी फाइव फोर फिफ्टी फोर इंटू फिफ्टी फाइव कितना आता है बोलो कैलकुलेट कर लो इंटू फिफ्टी फाइव का एक है ना इतने देने एक पचपन का अपना पचपन का है उनका कितने में मुझे क्या फर्क पड़ता है ना मेरे शेयर उनको देने मतलब मान लो कोई एक सिंपल बात जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं बता दू कोई आपके पास कोई आपके पास उनका लड़से कोई फोन लेके आ रहा है iPhone फोन ट्वेल्व लेके आ रहा है और आपके पास है आई फोर्टीन आपको आईफोन ट्वेल्व लेना है उसे आप बोलते हो मुझे आईफोन ट्वेल्व लेना है और वो बोलता है कि मुझे आप वो पूछता है कि आई फोन ट्वेल्व क्यों तुम्हारे पास तो आई फोन फोर्टीन है आप बोलते हो कि, कि याद ही जुड़ी है मुझे उसके साथ तो ट्वेल्व चाहिए अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है उसके पास है ठीक है वो बोलता है मुझे फोर्टीन चाहिए ठीक है तो आप आई फोन ट्वेल्व के बदले में फोर्टीन दोगे कि एक्सचेंज करोगे क्या ये सोचो वो आपको आई फोन ट्वेल्व देगा आपको आप उसको आई फोन फोर्टीन दोगे कोई कैश वगैरह नहीं ली या दी जाएगी ठीक है उस वक्त आप क्या बोलोगे आईफोन फोर्टीन तो डेढ़ लाख का है, मान, मान के चलो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं अभी जो भी आईफोन चल, चल रही हो वो ठीक है मैं एक लेके चल रहा ठीक है तो आईफोन जो है वो डेढ़ लाख का है नया वाला और पुराने वाला अभी उसकी वैल्यू कितनी है? पचास हजार होगी ठीक है तो आप क्या बोलोगे तुम्हारा मोबाइल कितने का है मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरा मोबाइल तो डेढ़ लाख का है ना तो ये डेढ़ लाख का मोबाइल ले ले पचास हजार का दे दे और ऊपर कैश दे दो तो मैं पेमेंट करते वक्त मैं अपना मोबाइल की प्राइस कंसिडर करूंगा ना चलो कितना है थर्टीन लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन प्लस इन कैश इन कैश कितना है पॉइंट फिफ्टी फाइव ना सब लोग ध्यान सुनो कैश में जब हम देंगे तो किस प्राइस के हिसाब से देंगे इंटरेंसिक वैल्यू के हिसाब से देंगे पेमेंट या मार्केट प्राइस के हिसाब से देंगे ये थोड़ा एक कंफ्यूजन है बट बट

ठीक है तो यहां पे मैं नोट लिख के देता हूं कितना तीस रुपए तो ये आता है फोर्टीन फोर्टीन लैख फ्रैक्शन अभी अमाउंट में कंसिडर मत करना शेयर्स का फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं बट अमाउंट जो है ये जो अमाउंट है उसका फ्रैक्शन कंसिडर मत करना ठीक है यहां पे लगता है तो नोट लिख देना नोट लिख देना इंट्रेंसिक पब्लिक एंट्रेंसिकब्लिक रियल वैल्यू ऑफ शेयर रियल वैल्यू ऑफ शेयर इज अवेलेबल अवेलेबल पब्लिक कैलकुलेट थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई पेन की चार्जिंग कम है इश्यू की वजह से बट होप सो आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कट रहा है पेन जो लिखते वक्त है रियल वैल्यू ऑफ शेयर अवेलेबल रियल वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट वैल्यूट सर लेकिन एग्जाम में अगर दोनों आ गए तो क्या करें आप तो बोल रहे हो कि एग्जाम इंटरसिक वैल्यू केस में मार्केट प्राइस देंगे नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि रियल वैल्यू कैल्कुलेट करने के लिए बोल रहे तो मार्केट प्राइस नहीं देंगे जब इंटरनसिक वैल्यू से ही चल रहा है बट दोनों दे दिए तो मार्केट प्राइस से दो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बट जब इंटरेंसिक वैल्यू कैलकुलेशन होता है तो मार्केट प्राइस नहीं दी जाएगी इसका 99% चांस है कि नहीं मिलेगी आपको वहां पे। तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं यस रेडी चल दो अभी एक बार फटाफट रिवीजन लेते क्या पढ़ा आज आज डेली आप भी एक बार रिवाइज कर लेना जो पढ़ा है मैं आपको गारंटी देता हूं आपको एस याद हो जाएंगे देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है उसके तरीके मेथड्स याद हो जाएंगे समय बुक जो है वो एक बार रिवाइज कर लेना क्वेश्चन क्या है फटाफट देख लेना पूरा सॉल्व को ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं एक बार देख लेना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने कुछ तो भी अच्छा पढ़ा है समझ में आ रहा है और वो कॉन्फिडेंस की वजह से पढ़ने का मन भी करता है क्लियर तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं okay, एक टिप देता हूं टिप मतलब जिन स्टूडेंट को ऐसा होता है ना कि पढ़ने के बाद में थोड़ी देर बाद ऐसा दिमाग नहीं चल रहा है स्ट्रेस आ रहा है ऐसा वहां पे होता है कुछ स्टूडेंट को होता है कि नहीं एक थोड़ा आधा एक घंटे के बाद में ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे बट दिमाग भी नहीं जा रहा है ऐसा होता है कि नहीं मतलब या दिमाग और जो पढ़ रहे उसमें कनेक्शन नहीं है ऐसा होता है कि नहीं हाँ है ना बोलो एक बार होता है कि नहीं मतलब ज्यादा देर तक हम अटेंशन होल्ड नहीं कर पाते उनके लिए सभी के लिए सभी के लिए मैं एक बार बोलूंगा कि मेडिटेशन प्लीज स्टार्ट करना मुझे पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट्स मेडिटेशन करते हैं ठीक है मेडिटेशन कितने स्टूडेंट्स करते हैं मतलब मैं तो लगभग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो मुझे बीमारी बताई बताई गई थी फैब्रोमेलजिया वो तो आप यूट्यूब सॉरी गूगल पे सर्च कर लेना यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना वो डॉक्टर ने बोला था कभी ठीक नहीं होगी आपको लाइफ टाइम गोलियां लेनी पड़ेगी जिसमें बॉडी के जो नर्व सिस्टम होते हैं माइक पहले अटैक आने के बाद में स्ट्रेस की वजह से एक साइड जो नर्व है वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे ताकत नहीं बची थी ठीक है तो उसके बाद में वो मुझे डिटेक्ट हो गया ठीक है तो गोलियां लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी ऐसा बोला था अदगज कैसा होता था कि मैंने मान लो जिम में जाके डम्बे उठा लिए तो कहाँ भी दिखना चाहिए ये ये पार्ट दुखना चाहिए ना तो मेरा सर दुखता था

ऐसा कोई पर्सन है कि जिसका है कि मतलब बहुत अगले लेवल पे उसकी दर्द करता है, मन नहीं करता है, ठीक है? तो मेडिटेशन करना और जब भी आपको ऐसा लगे आपको क्या करना है okay, सिंपल है प्राणायाम या मतलब के ब्रीदिंग टेक्निक्स बोलते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है पहले देखो यहां पे एक साइड नाक नोज के एक साइड पे हाथ रखना है ठीक है और दूसरे साइड से सांस अंदर लेनी है पूरी जोर से ये पूरा बंद करना एक साइड पूरा खींच लिया जस्ट पांच सेकंड होल्ड करो अभी मैं बोल रहा हूं इस वजह से होल्ड नहीं कर पाऊंगा बट आप तो बोलोगे नहीं तो होल्ड करना ठीक है एंड ये साइड दबा देना उल्टी और दूसरे साइड से छोड़ देना पूरा छोड़ देना फिर से एक दो सेकंड रुक जाना ठीक है फिर से एक एक साइड से तीन बार रिपीट करना यहां से लोगे यहां से छोड़ोगे फिर से यहां से लोगे यहां से छोड़ोगे ऐसे हर एक के लिए तीन तीन, तीन बार करना एंड देन लास्ट में पूरा दोनों से दोनों से पूरा तीन बार लेना है तीन बार पूरा छोड़ देना और बीच में एक पांच पांच सेकंड की गैप छोड़ देना थोड़ा सा जितना आपको जमे ना उतना छोड़ देना अब देखना ये सिर्फ एक मिनट की प्रैक्टिस होगी एक मिनट की ठीक है यू विल फील रिलैक्स उसके उसके बाद में आपको रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा आपको स्ट्रेसफुल लग रहा है या होता है ना कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो मैंने वो देखा है कि एग्जाम का रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो कितना बुरा लगता है मतलब के ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर कभी पढ़ाई नहीं की बुक नहीं उठाई वो भी आपको सजेशन देके जाते हैं ऐसा हुआ है कि किसी के साथ बोलो ऐसा के साथ हुआ है कि नहीं मतलब जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की होगी वो भी आपको सजेशन देके जा रहा है होंगे आप में से कुछ स्टूडेंट जो जिनका रिजल्ट निगेटिव आ गया ठीक है तो ये मैंने देखा ये मैंने ऑब्जर्व किया है तो स्ट्रेस आता है मन नहीं लगता है

जो आईडी है वो है टीचर अंडर स्को कूल अंडर स्को रोन्स ये है ठीक है तो वहां पे आप जाना ठीक है वहां पे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना जब मुझे पहले से उसका अटैक आया था उसके बाद में पहली रील होगी पहली दूसरी होगी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैंने दिखाया ठीक है तो क्या हो गया था मैं उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में मैं कैसा दिख रहा था ठीक है तो इतना फर्क पड़ता है प्लीज चीजों को फॉलो करना जस्ट ऐसा बोलना कि मेरा मन नहीं लग रहा कुछ करने का मन नहीं कर रहा इससे तो थोड़ी ना जिंदगी कटती है तो जिंदगी अगर अच्छी बितानी है ठीक है तो कुछ तो भी हमें डेली बेसिस पे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं जैसे कि दस मिनट मेडिटेशन कर लो ओके और ये ब्रीदिंग टेक्निक अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो ये ब्रीदिंग टेक्निक तो कर लो मिनट लगेगा उसमें ठीक है मैं ग्रुप पे मेडिटेशन का वीडियो शेयर कर दूंगा जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया मेरे एक्सपीरियंस से इतने लगभग ढाई तीन साल से मैं मेडिटेशन कंटिन्यूसली कर रहा हूँ ठीक है तो प्लीज वो फॉलो करना बहुत फर्क पड़ेगा आपके हैप्पीनेस पे एक एनर्जी पे इंथुजियाजम पे फोकस पे पे, पे में, में रुद्राक्ष थे अभी जो करता है, वो उसकी एनर्जी जान पाता है जब आप रुद्राक्ष पास में रखते हो जो मेडिटेशन करते हैं जैसे मैं इतने साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं जानता हूँ रुद्राक्ष पास में होना जैसे मेरे गले में है रुद्राक्ष की माला ठीक है तो मैं जानता हूं इस वजह से मैं पहनता हूं ठीक है तो मैंने सभी स्टूडेंट को जो जो मेडिटेशन करे सभी स्टूडेंट को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था चारमुखी उसका गूगल पे आप देख लेना कितना कॉस्ट होता है गूगल पे सर, सर्च कर लेना चारमुखी ये स्टूडेंट्स के लिए होता है स्टूडेंट्स के लिए माना जाता है ठीक है उनके पढ़ाई में वहां पे ध्यान लगे इस वजह से ऐसा ठीक है तो ये सभी फ्री में दिया था तो ये सभी चीजें मैं स्टूडेंट के लिए अपने साइड से करता ही रहता हूँ ठीक है तो अभी आप वर्चुअल में देख रहे हो ऑनलाइन देख रहे हो अगर आप पुणे से होते तो मैं हंड्रेड प्रोवाइड करता हूँ अगर पुणे में कोई है तो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं विदाउट एनी कॉस्ट रुपीज भी लिया नहीं जाएगा उसका वन रुपीज भी नहीं ये चीजें पैसों के लिए नहीं ये चीजें जो है वो मदद के लिए बहुत बड़ी मतलब लाख लाख ऐसा नहीं ठीक है बट पांच सौ छह सौ रुपए तो एक की कॉस्ट होगी ठीक है बट यही है कि कहना क्या है कि ये चीजें प्लीज फॉलो करना कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिनका निगेटिव रिजल्ट आ चुका है मुझे एक बार बता बता दो जो भी एक्सेप्ट कर लेना जो हो चुका है वो एक्सेप्ट कर लेना ऐसा मत मानना कि मेरे साथ क्यों हुआ, हुआ खुद को ब्लेम करते मर मत बैठना आपने मेहनत की होगी तो उससे आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ोगे तो अगली बार रिजल्ट आएगा ही ठीक है मैं हमेशा स्टूडेंट को एक चीज कहता हूँ कि आपका रिजल्ट आपको डिसाइड करना है कि ये रिजल्ट छह महीने का होगा जो इनकेस फेल हो गए हो वो रिजल्ट छ महीने का होगा या वो रिजल्ट लाइफ टाइम का होगा कुछ स्टूडेंट इतना में जाते हैं कि आगे उनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता आगे भी फेल हो जाते हैं मतलब उन्होंने जो एक बार छह महीने के लिए फेल थे ना अभी फेल हो अगर अपनी पढ़ाई के छह महीने बाद पास हो जाओगे तो अगर आप नेगेटिविटी में चले गए तो क्या हो जाएगा अगला एग्जाम भी चला जाएगा पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा पास नहीं हो पाओगे तो कहना क्या है उससे बाहर निकलना है उसके लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करना अगर आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है ठीक है तो ब्रीदिंग टेक्निक तो फॉलो कर लेना ठीक है तो ये ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा यस yes, चल ध्यान दो थोड़ा सा ये पांच दस मिनट चीजें बहुत यूजफुल रहेगी आपको आपने अगर फॉलो किया तो बाद में मुझे बता देना कि सर क्या फर्क पड़ा है आप खुद ही बोल दोगे सर आपकी एडवाइस सुनी मैंने फॉलो किया थोड़ा सा टाइम लगता है बट मिरा चेंज वहां पे आपको दिखाई देते बड़े चेंजेस दिखाई देते हैं ठीक है तो चल आगे बढ़ते हैं रिविजन लेते हैं आज घर पर जाके भी आप रिवाइज कर लोगे जो जो पढ़ाए दिमाग में फिट होना चाहिए साथ में चलना साथ में रिवाइज कर लेना तो उस केस में वहां पर क्या हो जाएगा कि आपको पढ़ाई का टेंशन बचेगा ही नहीं क्लियर साथ ही साथ ये सभी चीजें कंप्लीट कर लेना ओके okay, चल कोई टेंशन नहीं ओके okay, मैंने भी देखा है ठीक है कोई बात नहीं छह महीने में आपका फेल्यूअर चेंज हो जाएगा मतलब फेल से पास हो जाओगे तो हमने क्या क्या पढ़ाया तीनों एमालस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन में दोनों एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनल बाद में external, internal. Internal पढ़ने वाले अगले चैप्टर में वो अगला चैप्टर है ठीक है तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अमल का दो कंपनी थी दोनों की कंप कंपनी बंद होगी नई कंपनी आ गई और दोनों कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया ये अमल का होता है ऑब्जॉर्बन में क्या होता है दोनों एग्जिस्टिंग है चल रही है दोनों कंपनी चल रही है एक कंपनी बंद होगी जो कंपनी बंद होगी उसका बिजनेस जो कं कंपनी कंटिन्यू हो रही है उन्होंने कंटिन्यू किया या टेक ओवर किया इस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है दो कंपनी है सॉरी एक कंपनी है वो बंद कर दी और उसका बिजनेस नई कंपनी में ट्रांसफर किया न्यू कंपनी बना दी

दिया तो आप उसे इंक्लूड करते हो परचेस कंसिडरेशन में तो याद रखना सिर्फ इक्विटी शोल्डर प्रेफरेंस को जो भी आपने पेमेंट दिया वो, दिया, वो में आता है सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस को जो दिया वही कंसिडर करना जो डिपेंट शोल्डर को पे किया जो रियलाइजेशन एक्सपेंसिस पे इंक्लूड मत करना पर्चेसेशन में आगे

उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा उनके लिए क्लियर mm. आगे, आगे। अगर, अगर, नेट पेमेंट या, से जाते ने पेमेंट या से जाते तो ऐसा होता है और नेट पेमेंट में ऐसा होता है कि आपको बताया जाता है दस हजार इक्विटी शेयर्स दो सौ रुपए में एक दे दिया उस कंपनी को तो आप कैलकुलेट करोगे दस हजार इंटू दो सौ कितने का पेमेंट कर दिया शेयर्स के फॉर्म में तो नेट पेमेंट मेथड में आप एड एड क्या करते हो इक्विटी शोल्डर और पेमेंट प्रेफरेंस शोल्डर को जो पेमेंट किया कैश में शेयर्स में या डिवेंचर्स में जो भी उनको पेमेंट किया इक्विटी और प्रेफरेंस उनको किसी भी तरह से पेमेंट किया तो इंक्लूड करते हो बराबर वो इंक्लूड करने के बाद में आपका कैलकुलेशन आ गया मान लो दस लाख बट आपने जो एसेट ली है नेट एसेट उनके पास से आठ लाख की ली है तो आपने दो लाख एक्स्ट्रा क्यों पे किए तो उस वक्त गुडविल आपको पता चलता है उन मेथड में गुडविल डायरेक्टली दिया नहीं जाता नेट पेमेंट लम सब में आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है कितना डिफरेंस आया नेट एसेट और पेमेंट में तो जो आपने पेमेंट ज्यादा किया है तो गुडविल है

ठीक है तो हम एक शेयर फोर्टीन में नहीं दे सकते अपना शेयर तो पचपन का है ना तो हम उस वक्त कैलकुलेट करते अपने शेयर की कीमत ही मान लेंगे फिफ्टी फाइव रुपीज ही मान लेंगे तो उस हिसाब से दो तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है दो तो तरीके से यहाँ पे बताया बता दो क्वेश्चन वहां पे सिचुएशन और क्वेश्चन वहां पे हमने लिए छोटे 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 नहीं वैसे तो अगर परचेस कंसिड्रेशन का ये क्वेश्चन आ गया तो भी पांच छह मार्क के लिए आ ही जाता है ठीक है अगर अलग से आ गया तो ठीक है तो वैल्यू में हमने निकाली आ आ गई और आ गई और उनकी कितनी की यहाँ पे कुछ बताया नहीं था तो हमने ये मान के लिया ,00 के लिए तो हमने क्या किया फोर्टीन लाख डिवाइड बाय फिफ्टी फाइव का एक शेयर शेयर देने पड़ेंगे तो इतने शेयर देने और यहाँ पे हमने पॉइंट फिफ्टी फाइव फ्रैक्शन में आ रहा है वो कैश में देना है तो हमने कैलकुलेट करते वक्त उससे मल्टीप्लाई किया इंटरसिक वैल्यू से मार्केट वैल्यू से नहीं क्योंकि मैंने क्या बोला वैल्यू क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दी है रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मार्केट वैल्यू वो नहीं बताएंगे और अगर बता दी मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू से कैलकुलेट कर दो अगर बता दी तो मैं तो आपको वो बताऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए बोला है तो आपको रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी रियल वैल्यू से कैलकुलेशन करना पड़ेगा यस yes, पीपल समझ में आ गया कोई डाउट है याद हो गया सभी अभी जब मैं रिवाइज कर रहा था सब 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 याद आ रहा था yes no? बोलो सभी ने लाइक करना है वीडियो सभी ने लाइक करना है और यहां तक आए हो तो अभी एक जस्ट एक एंड में रिक्वेस्ट है कि अभी मैं लेक्चर क्लोज करने वाला हूं क्लोज करने के बाद में कमेंट बॉक्स ओपन होता है ये तो चैट बॉक्स है चैट बॉक्स में जो आपने लिखा होता है वो तो गायब हो जाता है बाद में बट कमेंट बॉक्स में आप जो फीडबैक छोड़ दे वो हमेशा रहता है वहां पे और जो नए स्टूडेंट्स आके देखते हैं उनके लिए भी यूजफुल रहता है तो प्लीज आपका सभी लोग प्लीज़ क्या ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ लाइक शेयर कमेंट की उम्मीद कर रहा हूँ ठीक है उसके बदले में आगे वहां पे बहुत देर तक पढ़ाऊंगा बहुत मतलब हंड्रेड आवर्स तक वहां पे क्योंकि हमें जा, जाना है ठीक है तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा टीचिंग जो भी है वो फीडबैक वहां पे मैंशन कर देना वॉट आपको जो लगा वो फीडबैक देना बट कमेंट में दे देना चैट में नहीं चैट से जो है वो चले जाते हैं आगे जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो कमेंट देख के बहुत सी बार लेक्चर देखते हैं उनको कॉन्फिडेंस आए इस वजह से कुछ कमेंट्स हो आपकी फीडबैक्स हो तो उनको भी पता चलेगा लेक्चर यूजफुल है या नहीं है ठीक है तो जो भी आपका फीडबैक है वो हाँ पे प्लीज मेंशन कर देना ये रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं पे कमेंट करके जाना अगर आप यहां तक आए हो इसका मतलब आपको लेक्चर तो अच्छा लगा है समझ में भी आ गया तो कमेंट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए ठीक है तो मैं आपको हक से बोल रहा हूँ कमेंट करके जाना जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक मिनट वेट करना पड़ेगा देन आ, एक मिनट नहीं जस्ट मैं क्लोज करूंगा तो उसके बाद में वो राउंड घूमता है और कमेंट बॉक्स में आता है अब मूवीज देखते हो तो भी मूवीज देखते हो तो क्या करते हो नीचे कमेंट देख के ही मूवी अच्छी है कि नहींक्चर तो तो so, आपके लिए यूजफुल रहा होगा कल के लेक्चर में हम मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो जितना सके लाइव में अटेंड कर लेना ठीक है यस लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल क्लियर सभी के लिए तो जस्ट मैं क्लोज कर रहा हूं आप कमेंट छोड़ के जाना कमेंट किए बिना मत जाना कमेंट कर देना ठीक है जो भी आपका फीडबैक है यस yes? आगे मैं ये पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा टेंशन मत लेना पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा जस्ट आप वेट करके कमेंट करके चले जाना